के हित में करूँ, नियमों के अनुसार करूँ, रिसाली नगर निगम क्षेत्र की जनता का विश्वास अर्जित करूँ। मेरे तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सचिव जी कार्रवाई शुरू करेंगे, सभी अपने अपने स्थान में राष्ट्रीय गीत के लिए खड़े हो जाएंगे। कृपया बंधु, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एवं नगर निगम रिसाली के प्रथम सामान्य सभा का सुचारू रूप से संचालन हेतु पार्षदगण, अधिकारी, कर्मचारीगण के अलावा जो यहां अनुमति लेकर पास बनवाकर आके बैठे हैं, उनके अलावा जितने भी लोग हैं वे लोग बाहर बैठ जाएंगे। तो दरवाजा है कांच वाला, इसको बंद कर दिया जाए। सचिव जी कार्रवाई प्रारंभ की जाए। मैं रखे गए एजेंडे के प्रथम पंक्ति में एक प्रकरण जो है सामान्य सभा में शिष्यनाथ रखा गया है, जिसमें 76 प्रकरण टोटल एमआईसी में पास किए हैं और उसमें से 51 प्रकरण जो वित्तीय मामले हैं, जो कि सभी सामान्य सदस्यों को शिष्यनाथ दे दिया गया है। वो सूचनार्थ ही होता है, महापौर परिषद ने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए जिन कार्यों की स्वीकृति दी है वो सूचनार्थ आप सबके पास पहुंचा होगा। इसके पश्चात नगर निगम रिसाली के सामान्य सभा में पूछे जाने हेतु सामान्य सदस्यों से प्रश्न बुलाए गए थे, उसमें 31 प्रश्न प्राप्त हुए हैं जो कि सभी सदस्य माया यादव जी का लोकार विभाग से संबंधित है। सर, सबसे पहले तो मैं आप सबको नए सभागृह की बधाई देती हूँ और एक त्रुटि है क्योंकि हमारी राज्य गीत जो है वो अरफा पैरी के घाट से शुरू है जो आधा अधूरा किया गया, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। दूसरा मेरा प्रश्न जो मैंने लगाया था, रिसाली क्षेत्र के अंतर्गत जो पंजीकृत श्रमिक हैं या श्रमिक क्षेत्र हैं उनकी सुविधाओं को हम अनदेखा करते हैं, उनको सुविधा शासन के द्वारा कितनी मिल रही है, या वो क्षेत्र हैं जो श्रमिक क्षेत्र हैं सर वो आज भी एकल बत्ती कनेक्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं, पानी के लिए, दूषित पानी के लिए पीने के लिए मजबूर हैं, सड़क नाली नहीं है, इसके जो सुविधा है जो अपना नगर पालिका निगम है इसके लिए क्या वो सुविधा देने के लिए तैयार है।
दूसरा प्रश्न एक है, जो रिसाली क्षेत्र में एक ही व्यवस्थित मुक्ति धाम है, हम सबकी मंजिल वही है, रिसाली क्षेत्र में जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ती जा रही है और यहाँ निगाह में शव वाहन फ्रीजर की कमी बहुत ज्यादा महसूस हो रही है, और जब हम देह संस्कार के लिए जब जाते हैं वहां पे परिवार जनों को भी बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है, क्या जो नगर पालिका निगम है अपनी, वो इस असुविधा को महसूस करते हुए इस पे कुछ सुधार कर रही है? मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, और मैं अपना पहला जो आपने क्वेश्चन किया था उसका ये श्रम कार्य, ये संबंधित कार्य श्रम विभाग से पहला जी पहला नंबर, और सेकंड जो आपने किया है वर्तमान में लकड़ी की व्यवस्था। सर पहले आप पहले क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए मेरे, कि श्रमिक एरिया जो है आज भी बहुत ही मूलभूत सुविधा के लिए तरस रहा है, उसके लिए रिसाली निगम क्या प्रयास कर रहा है? ये कार्य ये जो संबंधित है कार्य ये हमारे विभाग में किया, बाकी का आपको डिटेल आपको विभाग से मिल जाएगा, लेकिन इसका विभाग अभी नहीं है, इसमें श्रम विभाग से आपको मिलेगा। सर योजनाएं क्या है ये तो आपको पता होगी, श्रमिक एरिया में क्या अपन कार्य कर रहे हैं, वहाँ आज भी पानी नहीं है, एकल बत्ती कनेक्शन नहीं है, सड़कें नहीं है, गंदगी में रहने के लिए उनके बच्चे और परिवार मजबूर हैं, इसके लिए कुछ तो योजना होगी सर, क्योंकि निगम हर कि उसको दी जाए और ज्यादा से ज्यादा सुविधा दी जाए, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? जवाब यह है, अगर उसके रिप्लाई में कोई पूरक सवाल है तो वो लिखित में दे दो, उनके विभागीय उनको दे दिया जाएगा। ऐसे में चर्चा सवाल क्या है, श्रमिक क्षेत्र में क्या सुविधा? माननीय सभापति जी, वैसे तो ऐसा है कि आपके सामान्य सभा में ये जो सामान्य सभा चल रहा है उसमें इंटरफेयर का अधिकार मुझे नहीं है, फिर भी मैं आप सभी से माफी चाहते हुए कि नहीं नियम बताना चाह रहे हो क्या सामान्य सभा में क्या कहनी है कि सामान्य सभा क्या नहीं आप नियम बता रहे हो क्या मतलब नहीं क्योंकि सभापति जी ये हाँ आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि पीठासीन अधिकारी की अनुमति से मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी अनुमति लूंगा तब, क्योंकि आयुक्त बोलेगा ये कभी कभी राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू चले जाता है, तो मेरे एक प्रश्न चिन्ह मेरे ऊपर उठेगा कि आप किसी पक्ष में कैसे बोल रहे हैं। आयुक्त जी श्रम विभाग से संबंधित मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आप श्रमिक क्षेत्र से पूछे मैडम, तो शासन की योजना है कि MMU संचालित किया जा रहा है, इसके अलावा मैं धनवंतरी योजना से भी आप फायदा ले सकते हैं, लेकिन उनका ये इम्पोर्टेंट है कि वो श्रम विभाग में पंजीकृत हो, और भी बहुत सारी योजनाएं हैं मैडम, इसका जवाब मतलब जब भी होगा तो मैं लेबर डिपार्टमेंट से लेकर आपको दे दूंगा। धन्यवाद जी, बापू जी को प्रणाम, और सभापति जी महापौर मैडम को सभी को प्रणाम, और यहाँ पर जो मेरे साथीगण बैठे हैं पार्षद साथीगण सभी को प्रणाम। मेरा सवाल ये है कि वार्ड 6 में जो बस्ती के कारण जो भी कठिनाई आती है उसके लिए BSP में आपने जो मीटिंग करने के लिए कहा था, क्या वो मीटिंग हुआ है, और यह भी कि क्या डिस्कश निकला है, अगर आपने मीटिंग किया है तो काम कब होगा, क्योंकि मुझे बहुत परेशानी है बस्ती को लेके, आपने महापौर मैडम ने भी निरीक्षण किया है और कमिश्नर सर ने भी निरीक्षण किया है, तो इन लोगों की जानकारी में यह बात है। जिम्मेदार अधिकारियों को यहाँ सभा में बुलाने के लिए पत्र लिखा गया था, यहाँ से सचिव जी जानकारी देंगे उसकी, BSP अधिकारी को जो पत्र भेजा गया था उसमें आए वो लोग आज मीटिंग में कोई नहीं आया। अच्छा, और एक सवाल है निगम, मतलब आपसे ये प्रश्न पूछते हैं कि निगम में जो काम दिया जाता है पार्षदों के वार्डों में वो क्या देखकर दिया जाता है, क्योंकि जरूरत तो सबकी बराबर होती है, हो सकता है कि मेरे वार्ड में BSP का होने की वजह से नाली सड़के का उतना वो नहीं हो, लेकिन जो मेरी जरूरत है मेरे वार्ड के लिए जो जरूरत है वो एक साल हो चुका है, तो उसमें से एक भी काम मैंने जो दिया है निगम में वो एक भी काम आया नहीं है, तो क्या कारण है? हम लोगों ने 9 दिसंबर 2022 को 4,50,000 और 5,61,000 12,90,000 का प्रपोजल भेजे,
शासन को, और दूसरा अभी आपके वार्ड में 15 से 14 लाख का नाली की स्वीकृति है जिसकी टेंडर लगी थी, ना रेट ना आने का कारण अभी प्री टेंडर लगा है, तो हम लोगों ने प्रपोजल भेज दिया। हमारे पार्षद हैं जो लग रहे थे सम्मानित पार्षद पेंशन योजनाओं के संबंध में, इसकी लिखित में जानकारी इनको उपलब्ध करा दी गई है क्या? लेकिन पास से बहुत सारे वृद्ध है, पेंशनधारी उनको अभी तक पेंशन नहीं मिला मिल रहा है, जिसमें बहुत सारे कठिनाई हो रहे हैं, उसके लिए नगर निगम की क्या योजना है? बहुत सारे लोगों को पेंशन लेने के समय 7-8 के सर्वे सूची मांगा जाता है, सर्वे सूची नहीं होने के कारण उनको पेंशन नहीं मिलता, दिशाई नगर निगम की क्या योजना है? बहुत सारे ऐसे वृद्ध हैं जिनके 2007-08 के सर्वे सूची में नाम कुछ कारण से गलत रहते हैं, आधार कार्ड में गलत होते हैं, वोटर आईडी में गलत होते हैं, उनको पेंशन के लिए इधर भटकना पड़ता है, उनके लिए नगर निगम की क्या योजना है? मुख्यमंत्री पेंशन योजना चालू किया गया है हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा, उसमें बहुत सारे लोगों को पेंशन का लाभ नहीं मिल पाता है, उसके लिए नगर निगम की क्या योजना है इसकी जानकारी चाहिए। देखने वाले ये मैडम आपके विभाग का है सोनी साहू जी, होने से केवाईसी नहीं हुआ रहता है तो थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है, लेकिन अभी सबके खाते में पैसा चला गया है, सबका चालू हो गया। अच्छा, मैंने तो पैसा नहीं आया। लेकिन जिसका आधार अपडेट हुआ नहीं हुआ है उसके लिए नगर निगम की क्या योजना है? इसके लिए आधार अपडेट करवाना पड़ेगा, बैंक का भी आधार अपडेट करवाना पड़ेगा पूरे का, अधिकतर जो दुरुस्त इलाके अबव रहते हैं उनका पैसे हम निगम में अपडेट करा पाएंगे। चौथा क्वेश्चन टीकम सिंह साहू जी का प्रश्न है, हम आदरणीय बाबू को प्रणाम, सभापति महोदय जी सम्मानित, मेरा प्रश्न है जल भराव, गांधी चौक में बारिश की वजह से जल भराव हो जाता है, गांधी चौक भाटापारा में केपी सेक्टर 9 और 1 लाख की पानी और नर्सरी का पानी आकर पूरा भाटापारा और गांधी चौक में आकर गिरता है, जिससे गांधी चौक और भाटापारा में पूरा पानी का चलवारा हो जाता है। दूसरा प्रश्न था जलकर, अगर जलकर ले जा रहे हैं तो किस तरह ले रहे हैं, शुल्क का किस महीना से किस सालों से ले रहे हैं, उसके बारे में जानकारी। ये अभी 10 लाख का नाली आपके यहाँ पे वार्ड में स्वीकृति हो गया है, आपकी गया हुआ है 14 वित्त के तहत, तो ये काम चालू हो गया है। आप सबको जो है ना जय जोहार जय श्री राम। मेरा पहला प्रश्न है राजस्व वसूली डोर टू डोर एजेंसी के द्वारा किया जाना, तो ये क्या हमारा निगम सक्षम नहीं है खुद ये वसूली करने में? मेरा सवाल पहला। दूसरा सवाल में नेक्स्ट बाबू जी को प्रणाम, नमस्ते। आप यहाँ सभी पार्षदगण, एल्डर में सभी MIC मेंबर, कर्मचारी अधिकारीगण, मीडिया प्रोफेसर को मेरा नमस्कार। तो पहला सम्मान सभा में आपका स्वागत है। नगर पालिका निगम के साथ ही द्वारा करों की वसूली हेतु एजेंसी की नियुक्ति नगर पालिका निगम किराए के समय नगर पालिका निगम किराए के मध्य हुई एग्रीमेंट दिनांक 12/6/2017 को संलग्न है। वसूली का जो 12% है वो एजेंसी देगा, है ना? अगर उस 12% को बना के हम अपने निगम में खर्च किया जाए तो बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता। अच्छा सुझाव। मेरा दूसरा प्रश्न है ये प्लॉटिंग और भवन निर्माण हो रहा है तथा नियमितीकरण का, मुझे पूरे डिटेल या सूची चाहिए। सूची मांगा था आपने प्रश्न, सूची मांगा है या चिन्हांकित किए हों या किसी तरह का वहाँ पर कोडिंग लगा के वहाँ पर इंडिकेट किए हों। EWF की जमीन हमारे यहाँ चिन्हांकित है क्या? बहुत कमिश्नर नगर, प्रगति नगर, इनको लिस्ट है ना, तभी से चर्चा हुआ था उसमें भी इसके लगा हुआ है। तो ये जो आपने बिल्डिंग परमिशन दिया है तो किसी साठ गार्ड से इसको दिया गया है कि क्या है गलती है कि आपसे विभाग से साठ गार्ड EWF जमीन में बता रहे हैं आसिफ नगर में 2017
2017 में एक मीटिंग पर जारी हुआ था, 2017 उसी जमीन की बात जी, शिकायत आने पे निश्चय ले लिया गया काम भी रुकवा इस निगम से ही उसको मिला था ना बिल्डिंग परमिशन राय निगम निगम से ही मिला था ना ग्राम पंचायत से मिला निगम से हमको ऐसे जगहों को चिन्हांकित करके वहाँ बोर्ड लगाना है ना ताकि वहाँ पर जैसे पहला सब का काम हुआ घर निर्माण क्रिया जो है बाजार लगा सके इससे हमको भी राजस्व वसूली होगा के जमीने महत्व में जब प्रगति नगर जो व्यापार करते हैं है ना उन पर कार्रवाई जल्दी होती है पर ये जो अपना केस लगा हुआ है मैं जो वार्ड 25 का बता रहा हूँ ये करीब 3-4 महीने से चल रहा है पर उसमें कार्रवाई इतना लेट भैया कैमरा थोड़ा पीछे कर क्या बिल्डर से अपना साठ गाठ है किस चीज से साठ गाठ है किसी से साठ गाठ नहीं है आपके प्रश्न उस पे भी कार्रवाई ना उस पे भी कैसे सभी में कार्रवाई है ना सभी ऐसा होना चाहिए गलत बिल्कुल नहीं गलत सभी में कार्रवाई ये मैं नहीं कराया था आपका प्रश्न तो हो गया दो नहीं उसके साथ ही अटैच है नियुक्ति का बोलिए नियमितीकरण और भवन अनुज्ञा जैसे कुछ क्षेत्र जैसे वार्ड 26 हो गया है ना वहाँ के वोटर वोट डाल रहे हैं पर वहाँ अभी भी नियमितीकरण नहीं हो रहा है तो नियमितीकरण आप 14/7/2022 राजपत्र के आदेश द्वारा जो जारी हुआ है उसमें कुल आवेदन कितना आया है मुझे ये जानकारी चाहिए नियमितीकरण हमारे राज्य शासन की बहुत अच्छी उपलब्ध कराया जानकारी हमने आदेश जारी हो चुका है कितने का 16 40 में 16 का है 24 जो है काउंटिंग कर भी पाएगा तो हमारे यहाँ से अच्छा तो मेरा आप सभी से ये भी आग्रह है कि ये जो नियमितीकरण उसका जो राजस्व अपना टीएनसी को जाएगा जो अपने को निगम को क्या मिलेगा उससे शासन के पास जाएगा निगम के पास नहीं आएगा ना तो इन क्षेत्रों को हम भवन अनुज्ञा के तहत भूमि संरचना डिसाइड करके वहाँ के पर्टिकुलर वहाँ का अगर किसी खसरे पे 10% अगर भवन बन जाता है तो उसका भूमि संरचना बना के अपन टैक्स वहाँ से वसूल कर सकते हैं संरचना अनुमोदन करके कर सकते हैं लेकिन 6 महीने की प्रक्रिया है ना निगम बने कितना दिन हो गया तो देखिए आवेदन निगम के ही है वो जो राजस्व आयोग हमारे निगम में डायरेक्ट है निगम हमारी कंपनी से बहुत अच्छा है आपका सुझाव हम लोग भी प्रयासरत रहे हैं इस दिशा में हम लोग भी प्रयासरत रहे निगम की आय बढ़े लोगों को बिल्डिंग परमिशन मिले वो क्या है वोटर वोट डालने जा रहे भी है ना पर उनको बिल्डिंग परमिशन नहीं दिया जा रहा है है ना ना टैक्स दिया जा रहा है तो ये तो गलत है ना क्या सिर्फ उनको वोट के लिए यूज कर रहे हैं नहीं नहीं बहुत सही सुझाव है आपका आगे बढ़ते हैं ये पहले सभागार में आम सभा में आप सभी हम यहाँ उपस्थित हैं और हम सभी यहाँ स्थानीय निगम की जनता के लिए समर्पित हैं और मेरा ये कहना है और मानना है कि विपक्ष जो हम हैं और रिसाली जनता की के लिए इस क्षेत्र के विकास के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और संकल्पित हैं इस विषय पर मैं चर्चा इसलिए अपने प्रश्न से पहले मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ सभापति महोदय जी क्या यह नगर निगम नगर पालिका अधिनियम 1956 के आधार पर चलेगा या शहर सरकार अपने मनमाने ढंग से इसे चलाने के लिए और इसके नियमों की धज्जियां उड़ाएंगे सभापति महोदय जी मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ इस शहर सरकार से कि विगत एक वर्ष हो चुके गठन पर साफ सफाई शहर की एक मूलभूत आवश्यकता और जरूरत है जो रिसाली निगम के प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित करता है परंतु शहर सरकार की किसी एक एजेंसी को लाभ पहुंचाने के माध्यम से इतनी संकल्पित है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि टेंडर पास होता है शपथ पत्र झूठा देगा उसे टेंडर भी मिल जाता है उसका कोई जानकारी नहीं नगर पालिका निगम की यह सरकार सो रही है क्या इसे नहीं पता है कि वो झूठा शपथ पत्र दिया है जिसके बारे में अनेक अखबारों के माध्यम से अनेक निगमों में उसके खिलाफ कार्रवाइयां हुई हैं फिर भी यहाँ विगत एक माह पूर्व जिसे अभी तक उसका पहला चल देयक भी नहीं दिया गया है और उसे शपथ पत्र उसका झूठा है इसको वे साबित है उसके बावजूद वो
वो यहाँ काम करते हैं। क्या नगर पालिक निगम ये आम सभा यहाँ बैठे एक एक पार्षद, हर पार्षद का ये दायित्व है कि रिसाली नगर निगम की जनता के लिए उन्हें ये काम करना है। तो ये मैं बस ये कहना चाहता हूँ सभापति महोदय जी, आपने समय का इशारा किया मेरी तरफ घड़ी दिखाकर, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज रिसाली नगर निगम ये साबित करके दिखाए और ये साबित करे कि रिसाली की जनता के लिए हम कितने समर्पित हैं और ये शहर सरकार कितनी जागृत है इस चीज के लिए कि जिस एजेंसी ने झूठा शपथ पत्र दिया है अभी यह सामान्य सभा समाप्त होने के पूर्व उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई जाए। आप उसके नीचे हाकिम करें कि विद्वान शपथ पत्र, मैं एक कॉपी आपको देना चाहूंगा सर्वोदय महोदय जी, एक आपकी उधर की भिजवाइए, ये एक सचिवालय के लिए और ये इससे प्रभारी मंत्री जो भी है शहर सरकार महापौर जी के लिए भी आप लीजिए। द्वारा निविदा प्रपत्र क्रमांक लोक निर्माण विभाग 22/1569 एवं दिनांक 10/10/22 के नियम सत क्रमांक 27 उपक्रम 6 में किसी भी विभाग काली सूची में नाम नहीं होने के प्रमाण पत्र मांगा गया था, जिसमें निविदा दाता मेसर्स पीवी रमन द्वारा काली सूची में नाम न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें निर्धारित समय अवधि तक उपरोक्त संबंध किसी भी संस्था व्यक्ति एवं एजेंसी द्वारा प्रमाणित आपत्ति दर्ज नहीं की गई थी। दस्तावेज प्रमाणित प्रशिक्षण द्वारा अग्रिम कार्रवाई की एजेंसी पीवी एजेंसी मेसर्स पीवी रमन को पात्र पाते हुए पात्र न्यूनतम दर अनुसार अनुबंध की कार्रवाई की गई। जो जवाब दिया बैंक है आजकल लग रहा है वो कपिल शर्मा शो को ज्यादा देते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ उनसे कि जरा सोचें, भारत का संविधान हर व्यक्ति के लिए समान है या नगर पालिका निगम रिसाली में अलग चल रहा है? सर्वप्रथम आप मुझे ये बताइए, जब अगर आपकी निविदा में नियम सट की 27 जिस कंडिका का उन्होंने उल्लेख किया उस कंडिका में अगर लिखा हुआ है निविदाकार के को ऑनलाइन के माध्यम से निम्नलिखित दस्तावेज स्कैन कर निविदादाता को तब प्रस्तुत करना होगा, जिसमें छठवां क्रमांक कहता है निविदादाता का नाम काली सूची में ना होने का शपथ पत्र, जब शपथ पत्र ही झूठा है तो वो ऑटोमेटिक ही संविधान के अकॉर्डिंग धारा 340 के तहत उसके ऊपर एफआईआर बननी चाहिए। अगर दावा आपत्ति का भी विषय है महोदय जी, तो क्यों उसे किसी प्रकाशन में दिया गया, क्या किसी अखबार में प्रकाशित किया गया? अगर प्रकाशित किया गया तो उपलब्ध कराएं मुझे यहाँ पर। माननीय सभापति जी, स्टैंडर्ड में जो ऑनलाइन प्रक्रिया हुई थी इसमें जो भी दस्तावेज ऑनलाइन सबको दिखाए जो भी उसमें जांच करना चाहते हैं वो ऑनलाइन सभी कागजात उसमें मिल जाएंगे और सम्मानित जो पार्षद साथी हैं अगर उनका जो इस टेंडर प्रक्रिया में अगर कुछ गलतियां हुई हैं उन्हें स्पष्ट है वो पूरे दस्तावेज सदन में रखते हैं, शहर सरकार उस पर चर्चा रखे, जो भी कार्रवाई होगी उसी लिए कार्रवाई की। वो आपके साथियों के कष्ट में ना रुचि देखते हुए अपना समय इन बातों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, फिर भी उनके जो बात है मैं उसका सम्मान करता हूँ। एक छोटा सा प्रश्न पूछा है कि उसने झूठा शपथ पत्र दिया है, ये बात साबित होती है। शपथ पत्र अगर झूठा है क्योंकि शपथ पत्र में लिखा होता है मैं हम भारत सरकार अन्य राज्यों राज्य सरकार के किसी भी विभाग में काली सूची में सम्मिलित नहीं हूं या दिवालिया घोषित नहीं किया गया हूं, ये उसने जब लिखित में दिया है जब ये हमारे पास प्रमाण है तो उसे बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है? आपको महोदय जी मेरी मांग तो इतनी ही है कि ये सभा समाप्त होने से पहले उस व्यक्ति के ऊपर आप एफआईआर दर्ज कराइए, जांच करा करके आपको पूरा जानकारी दे दिया जाएगा। नहीं, मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये कहते हैं जांच करा के जवाब दिया जाएगा, जांच का विषय हमारा नहीं होता, आप एफआईआर कराइए, पुलिस अपनी जांच करेगी शपथ पत्र झूठा था या सही वो साबित करने पड़ेगा, आपका विषय नहीं है जांच करने का, तो आप सिर्फ एक चिन्हित कीजिए किसी व्यक्ति को अधिकृत कीजिए कि उसने यहाँ झूठा शपथ पत्र दिया है और इस रिसाली नगर निगम को झूठा साबित किया है और उसने
उन्हें ये नहीं पता है कि निगम हम कितने प्रतिबद्ध हैं अपनी साली की जनता के लिए। साबित कीजिए आज इस सदन से उसके खिलाफ FIR करवा दें। ये आठवें महीने में ब्लैक लिस्टेड हुआ है धमतरी में, नगर पालिका निगम धमतरी। सभापति जी, हमारे यहाँ कब हुआ था इसका टेंडर सफाई का? आठवें महीने के पहले हुआ था कि आठवें महीने के बाद? आठवें महीने के बाद हुआ। गलत शपथ पत्र दिया है उसने, जैसा सम्माननीय सदस्य जी बोल रहे हैं। ये धमतरी का पत्र दिए मेरे हाथ में, अगर ये फर्म रजिस्टर्ड ये आज हमको मिला, धमतरी वाले पूछेंगे किस टाइप का फर्म है, फिर इनसे सवाल पूछेंगे तो आप नोटिस जारी करेंगे, उसके बाद अगर जवाब जैसा होगा वैसे हम कार्रवाई करेंगे। अगर गलत शपथ पत्र दिया है तो कार्रवाई होगी और कार्रवाई ऐसे नहीं होगी ना, उसने धोखे में रखा है। गलत शपथ पत्र दिया है तो अगर गलत है तो उसके खिलाफ FIR भी होगी कि ऐसे लोगों को सबक मिले, ठीक है? नहीं, ये कहना चाह रहे हैं कि उसकी प्रकृति अलग है, उसका काम अलग है, उसकी विवेचना, अरे सब विषय बात का है। विषय सबसे पहला ये है, नगर पालिक निगम साली को उसने धोखा दिया है हाँ या नहीं, ये जवाब पूछिए। कैसे जवाब दिया जाएगा? जांच करेंगे, जवाब दिया जाएगा। सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से एक बार फिर से पूछना चाहूंगा कि आप मुझे ये बताइए, भारत के संविधान के तहत जब कोई झूठा शपथ पत्र किसी भी शासकीय अर्धशासकीय किसी भी संस्थान में अगर वो जमा करता है तो वो झूठा ही, अगर वो झूठा हुआ साबित होता है तो धारा 340 के तहत उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? क्या है नगर पालिक निगम साली इसके लिए प्रतिबद्ध है या नहीं? जांच करने की बात आ गई है, आपने सब कुछ मोदी जी, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि कर ले, उसके लिए आदरणीय मंत्री जी बोल ही रहे हैं तो अपन धारा 48 के तहत पार्षदों की एक कमेटी बना लेंगे और वो जांच कर लेगी, जैसा वो कह रहे हैं वैसे जांच कर लेगी, जिसमें आप लोग भी हो जाएंगे, इधर से भी हो जाएंगे, निर्दलीय भी हो जाएंगे उसमें, और उसका ये बात पूर्ण रूपे जांच कर लेंगे। सभापति महोदय जी, ये बात ना पक्ष की है ना विपक्ष की है, ये बात 110,000 ठेकेदार साली निगम में काम कर ले और अधिकारी कर्मचारी शहर सरकार उसकी बचाव में उतर जाए। अगर आप फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लिखवाने में तकलीफ क्या है, किस चीज की तकलीफ है अगर फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन लिखा जाए? आपको साबित करना है और हम सबका ये दायित्व है, हम संकल्पित है इस चीज के लिए, और शायद सरकार हमें जनता ने इसीलिए यहाँ चुनकर भेजा है कि कोई ठेकेदार हमें तो इस चीज को ना करे। माननीय महापौर मैडम, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा। माननीय सभापति जी, लगातार इस सूचना में हमारे महापौर पर की जाएगी, उसके बाद भी हमारे मैं जो आपको कह रहा हूँ महोदय जी, अगर इसका निंदा स्वीकार हुआ है तो ये नियम है, आपकी नियमावली है नियम निगम की, उसका टेंडर पास नहीं हो सकता, या तो अधिकारी भांग खा के काम कर रहे हैं अगर ऐसा हो गया तो। अगर वो गलत है तो FIR जरूर होगा, वो पुलिस विवेचना करेगी उस सही पहले निगम वाले हम आपको देख ले, और इससे रिलेटेड जो अधिकारी भी हों और जो शहर सरकार के प्रभारी भी हों वो भी इसमें संलिप्त पाए जाए तो उनके ऊपर भी खिलाफ कार्रवाई होगी। पहले हम आपको संतुष्ट हो जाए कि वाकई में गलत हुआ है, आपका कहना है मैं गलत हुआ है, मैं आपके साथ हूँ, है ना जी? मैं गलत के हमेशा ही खिलाफ रहता हूँ, अगर गलत हुआ है ना तो बिल्कुल हम अभी ये सभा खत्म होने के पहले एक समिति गठित कर देंगे 5 लोगों की। मोदी जी, इसके ऊपर कुछ तो आप तथ्य दीजिए कि क्या करेंगे आप? बिल्कुल, आज एक समिति गठित करेंगे यहीं से उठने के पहले, है ना, और वो तय कर लेंगे कि अगर गलत है तो FIR करना है कि नहीं करना, ठीक है? जल्दी करेंगे क्वेश्चन खबर को, और इसके बाद का क्वेश्चन प्रश्न है जितना
संजू कुमार मेहताब जी का प्रश्न लगा हुआ है, दसवां प्रश्न। संजू कुमार मेहताब का वार्ड नंबर 7। हिंदी भैया हम लोग को समझ में नहीं आएगा। मैं संजू कुमार मेहताब वार्ड नंबर 7 से पार्षद हूं और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आदरणीय बाबू जी, प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ का आदरण, आदरणीय मेयर टाइप ऑफ सचिव सिन्हा जी, आदरणीय स्पीकर, सवाल करना चाहूँगा सर। मेरे को सवाल विज्ञापन कर को लेकर है। विज्ञापन कर निगम क्षेत्र में जितने विज्ञापन एजेंसियों ने अपना वैध मॉडल लगा रखा है उसकी जानकारी देंगे, उनकी लिस्ट और साइन बोर्ड कहाँ कहाँ पर लगे, पहला सवाल के लिए। दूसरा ये कि निगम क्षेत्र में कितने वैध होर्डिंग और कितने अवैध होर्डिंग, इसकी पूर्ण जानकारी कहाँ कहाँ पर लगे हैं आरक्षित स्थान सहित, और अभी तक इन एजेंसियों द्वारा निगम में कितनी राशि जमा की गई है उन सब की सूची, उन सबको एनओसी की प्रतिलिपि जिसे कितने जारी किया है, सक्षम अधिकारी का नाम पता और अब तक कितने एजेंसियों पर यह कार्रवाई हुई है, अगर हुई है तो क्या कार्रवाई हुई है इसकी जानकारी दीजिए बिंदुओं से। सर मैं जानना चाहूँगा कि निगम में प्लेसमेंट कर्मचारी कितने हैं, उनका मोबाइल नंबर सही स्थायी पता सही उपलब्ध करवा दीजिएगा और किन किन पदों पर वित्तीय स्वीकृति पूर्व से प्राप्त है और किन किन पदों पर कार्य कर रहे हैं उनकी स्वीकृति प्राप्त नहीं है, इनकी भी सूची उपलब्ध करा दीजिए। हो जाएगी। धन्यवाद। सभापति महोदय जी, मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि नगर निगम इंसानी के श्रमिक क्षेत्र के मध्य से गुजरने वाला मुख्य नाला के संबंध में आपकी क्या योजनाएं हैं ताकि भविष्य में इन क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति न हो। जी इधर अभी तक हम लोगों ने चालू है। हेलो, हाँ जी, 150 लाख का नया और भेज दिया गया शासन को, प्रस्ताव भेज दिया गया है, तो जल्दी उसके वहाँ से प्रस्ताव आने के बाद वो काम कर दिया जाए। तो कब तक होगा इस शासन के वहाँ से आने के बाद, महोदय आने के शासन चुनौती प्राप्त होने के बाद ही हो पाएगा? जब तक अभी बारिश है ना, बारिश आएंगे कभी भी बारिश के दिनों में तो जल भराव की स्थिति होती है, तो जब भर जाएगी तब तब आए नहीं शासन कर सकते हैं वहाँ से आता है। 35 वार्ड में है, 36 वार्ड में है और 37 वार्ड में है, ऐसे ऐसे वार्ड में है जो नाला है, लेकिन ना नाला में कलेक्शन बाजार सड़कों एवं नाली नालों की सफाई कराया जा रहा तथा आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त कर्मचारी लगाकर वार्ड की सफाई सुनिश्चित किया जाता है तथा समय पर मौसमी बीमारी के बचाव हेतु कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जाता है एवं मुख्यमंत्री जन स्वास्थ्य योजना निःशुल्क इलाज किया जाता है जिसका जिसका कार्य प्रगति प्रति संलग्न है। कॉमन लेटर उपलब्ध करा देना कि किस किस वार्ड में कितने वो लगे हुए हैं कर्मचारी आपके माध्यम। नहीं, इसके अलावा बोल रहा हूँ सबको जानकारी को लेकर पहुँचा दो आप अध्यक्ष महोदय जी, समय लेटर पहुँचाओ तो गर्म पहुँचा देता, जरूरत नहीं रही देखा हर सवाल के लिए अगर लेटर ही पहुँचाना है तो आप गर्म सवाल की घंटा समय दे बस जानकारी सबको जनता की मना देखो जानकारी उपलब्ध करा दी गई रहती तो वो उस हिसाब से बात कर पाते हैं जब जानकारी नहीं उनका मामला आया उनका माननीय अध्यक्ष महोदय पूछ रहे हैं तो मैं सारी उपलब्ध रिपोर्ट करा दिया माननीय अध्यक्ष महोदय पता गया पहले इन्होंने कहा वर्क ऑफ स्कूल पूछे थे मैंने जो भी पूरक सवाल है उसे लिखित में भी उनका जवाब दे दिया जाएगा विभाग द्वारा। मूल सवाल था आपका
कर्मचारी शासन से लेबर की मांग किया गया है, आवश्यकता अनुसार बढ़ा दिया गया। प्रदर्शन एवं मेंटेनेंस वर्तमान में नगर पालिका निगरानी के देख रेख में किया जा रहा है। इसके अलावा जिन जिन वार्डों में समस्या है, मेरे विभाग के जो अधिकारी हैं उनके साथ हम विजिट कर रहे हैं। तकनीकी जो समस्या अमृत मिशन के कारण हुई उसका प्रस्ताव श्रीमती रमा साहू जी वार्ड 22। नमस्कार, आप सभी को भी नमस्कार। मेरा प्रश्न भी वही था, अमृत मिशन में विस्तारीकरण के समय तकनीकी खामियां हैं जिनकी वजह से तालमोई में पानी नहीं पहुंच पा रही है। तो मैं पूछना चाहूंगी, स्टार्टिंग से लेकर टेल पॉइंट जो लो प्रेशर से जूझ रहे हैं, उसमें हमारे अधिकारी को बताया, हमारे संबंधित वो बताएंगे MIC कि उस और उनका क्या कहना है। माननीय सभापति जी, इस तकनीकी शायद देख रेख में संपादित किया गया है, जो समस्याएं आ रही हैं डिजाइन में, उस डिजाइन के लिए प्रस्ताव बनाया जा चुका है और उसे प्रेषित कर दिया गया है। जैसे पूर्व में मैंने जवाब दिया नीति कोठारी जी का, उसी तरह ये प्राकलन शासन को प्रस्तुत कर दिया गया है। जब भी इसमें स्वीकृति आप प्राप्त है, प्राप्त होते ही ये समस्या दूर कर दी जाएगी। जी जो माली पार्षद महोदय जी ने जो सवाल लगाया हुआ है, उस सवाल का मैंने जवाब दे दिया है। उसके ऊपर पूरक सवाल है, इसके अलावा जो पूरक सवाल है मेरे जवाब देने के बाद वो लिखित उसमें हमारे विभाग में भेज दो, उन्हें लिखित जवाब दे दिया जाए। जो भी उनका सवाल है वो पूरा सवाल लगा के हमारे विभाग में भेज दो, उनका बिल्कुल लिखित जवाब दिया जाए। मैं पूछना पसंद करती हूँ कि जब पब्लिक आती है लो प्रेशर का प्रॉब्लम लेके तो उनका प्रेशर बढ़ जाएगी, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि टंकी का निर्माण कहाँ होगा और हो रहा है तो उसकी प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची है? किसने कहा आपको टंकी का निर्माण हो रहा है? हमारी पब्लिक जब भी आती है तो हमारे अधिकारी वही जवाब देते हैं। नहीं, इस तरह से कोई हमारे विभाग से कोई जानकारी नहीं दी गई है। वर्तमान में हमारे पास 60 टंकियां हैं, लगभग 1.5 करोड़ लीटर प्रतिदिन हमें पानी लगता है। आगामी 20 वर्षों में लगभग 3 करोड़ पानी की आवश्यकता है हमारे क्षेत्र में। उसके लिए प्रस्ताव भेजा गया है, हम भी विभागीय तैयारी कर रहे हैं ताकि हमारे क्षेत्र में जनता को आसानी से पानी मिल सके। और किसी के घर पानी एक मक्का भी नहीं आता, पर उनका रसीद कट गया। उस दिन से लेके हर महीने उनको 200 रुपए चेक कर पटाना है। तो जब फ्लो मीटर लगा है तो आप रीडिंग करके पैसा क्यों नहीं लेते? माननीय जी, हितग्राही ने नल कनेक्शन लिया है और अगर उनके यहाँ पानी नहीं आ पा रही, मैं बिल्कुल आवेदन दे, हम विभागीय जांच करेंगे, बिल्कुल जल कर का पैसा नहीं है। हमारे विभाग में इस तरह का अभी तक आवेदन नहीं आया है। पार्षद महोदय हमारे ऊपर गलत आरोप करते, बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। रमा बहन जी, ये हो गया, जिनके यहाँ दो प्रश्न लगा है, एक ही साथ आपका दोनों प्रश्न है। मेरा एक प्रश्न, अभी तो जो नया मेरे विभागीय अधिकारी आया है उनका जानकारी मेरे को खुद ही नहीं दिया गया है। जानकारी बनी होगी, आप तक नहीं पहुंची। सभापति महोदय, शहर सरकार का फेलियर दिखता है इससे। हमारी मंत्री को पता ही नहीं उनके विभाग में कौन क्या काम अरे आप कहां से बोलेंगे?
सरकार नहीं बोलेंगे। इस सारी निगम में अब तक कुछ 26 पार्क है गार्डन बने हो, जिसमें से वर्तमान में 2 निर्माणधीन है। उत्तर पार्क गार्डन रखरखाव के माध्यम से किया जा रहा है। प्रभारी मंत्री जी विपक्ष का धन्यवाद कीजिए कि इतनी जल्दी उपलब्ध हो गई जानकारी आपके पास। जिसका ई निविदा क्रमांक 19260 है। निविदा सूचना का प्रकाशन समाचार पत्रिका एवं विद्वार में दिनांक 3/2/22 में किया गया है। दिनांक 15/2/22 को सार एजेंसी द्वारा निविदा प्रस्तुत की गई है। काट ले दे दीजिए। जिसमें 3 निविदाकार पात्र पाए जाने पर दिनांक 16/2/2022 निविदा खोला गया, जिसमें उक्त कार्य हेतु प्राप्त प्रथम न्यूनतम दर एजेंसी मेसर्स रुद्र कंस्ट्रक्शन का 45.5% अधिक प्राप्त हुआ था, जिसमें कार्यालय पत्र क्रमांक 1243 दिनांक 8/3/22 के निगोशिएशन हेतु एजेंसी को पत्र प्रेषित किया गया था, जिसके उपरांत एजेंसी द्वारा प्रस्तुत दर में निगोशिएशन करते हुए 44.5% अधिक दर पर कार्य करने की सहमति दी गई। निविदा समिति के बैठक दिनांक 14/3/22 में समिति द्वारा मेसर्स रुद्र कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रस्तुत निगोशिएशन दर 45.5% अधिक वर्तमान कथित दर के अनुसार होने से प्राप्त न्यूनतम दर की स्वीकृति एवं व्यय राशि 2,56,76,500 मात्र की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर किए जाने की सर्वसम्मति से अनुशंसा की जाती है। ये निविदा समिति ने अनुशंसा की है। तदनुसार उक्त कार्य हेतु मेसर्स रुद्र कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रस्तुत निगोशिएशन दर 44.5% अधिक की स्वीकृति एवं व्यय राशि ₹2,56,76,500 मात्र की स्वीकृति सूची प्रदान करते हुए महापौर परिषद की बैठक दिनांक 23/3/22 में प्रस्ताव क्रमांक 4 में अनुशंसा सहित सामान्य सभा
की बैठक में रखे जाने का संकल्प पारित किया गया। प्राप्त न्यूनतम निवेशन दर 44.5% की स्वीकृति एवं व्यय राशि ₹2,55,76,500 मात्र की विधि की नियम शर्त अनुमोदन एवं होने वाले व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दान करने की अनुमति प्रदान करने हेतु प्रकरण समाजसभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आदरणीय सभापति महोदय, मुझे अपने विषय जो दिया गया है नगर पालिका निगम दिवाली के अंतर्गत विभिन्न कार्य हेतु प्लेसमेंट में श्रमिक कर्मचारी प्रदायक कार्य प्लेसमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ रही है ये मैं जानना चाहता हूँ। और मैं आदरणीय सभापति महोदय यह जानना चाहता हूँ कि इसमें भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 12 का पालन किया गया है या नहीं, मैं जानना चाहता हूँ। जब आप दे दीजिए प्लेसमेंट है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं है, इस कारण ये प्लेसमेंट अलग थर्ड पार्टी का करते हैं, इसे 1872 संविधान अधिनियम लागू नहीं होगा। लागू क्यों नहीं होगा ये बता दीजिए मुझे। संविधान कर्मी, ये संविधान कर्मचारी नहीं है, थर्ड पार्टी से हम लोग प्लेसमेंट से सर्विस ले रहे हैं। ठीक है, आपने आर्टिकल धारा का पालन किया है फेडरल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अधीन। हां, संविधान कर्मचारी नहीं ले रहे हैं। क्लियर? ठीक है, आप कुछ बोल रहे हैं। मैं एक और जानना चाहूंगा, चूंकि यह कॉन्ट्रैक्टर जो थे यहाँ पे रुद्र कंस्ट्रक्शन, तो मैं जानना चाहता हूँ कि नगर पालिका निगम के अंतर्गत यह जो राशि थी टेंडर की 1,77,00,000 की थी और भुगतान किया गया 2,55,00,000, तो मैं जानना चाहता हूँ उसके बारे में कि इसके लिए 7 निविदा आए थे जिसमें 3 पात्र पाए गए। जो पात्र हैं मुझे उनके दस्तावेज भी तुरंत उपलब्ध कराई। और सबसे बड़ी बात यह कि हिंदवाद और पत्रिका में यह एड आया था। जवाब दीजिए, कितने पार्षदों के यहाँ आता है? क्या किसी को अंधेरे में अपने जहाजों को बांधने के लिए खेल खेला जा रहा है? आदरणीय सभापति महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि अब आप बताइए कि सभागार के सामने जो 27,00,000 का ब्योर ब्लॉक लग रहा है संबंधित कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा 25,00,000 जिसमें कलेक्टर दर के हिसाब दर से 1,77,00,000 का ये प्रस्ताव विभागीय बना हुआ था जिसमें ये निविदा बनाई बुलाई गई थी जिसमें 3 एजेंसी पात्र हुई है, जिसमें सबसे न्यूनतम दर में हमारे पास 45.5 रेट हमारे पास आया था, जिसमें योगेश्वर शक्ति के प्रशासन ने किया था, जिसमें नियोजन करके 44.5 दर पर ये काम दिया गया एजेंसी। और जो ये इसमें जो इनका 44% विभाग जो कह रहे हैं उसमें GST है, कर्मचारी का PF है, ITI, ESI है, ये सब कुल मिला के 32.75 शेष हो जाते हैं और बाकी उनका सर्विस चार्ज है। तो ये 44.5 है वो एक प्रक्रिया, तो संतुष्टिजनक है ना? संतुष्टिजनक है। सभापति जी, ये सामान्य प्रशासन विभाग का प्रकरण है और ये प्रकरण जो निगम सचिव ने आपके सामने पढ़ के जो प्रस्तुत किया है ये मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि इसमें बहुमत करा के इस प्रस्ताव पे पारित करने के लिए इसमें आपको ये पारित करना ही नहीं करना। चलिए बस के लिए पारित कर दीजिए। सामान्य सभा को प्रेषित किया गया है, आज ये एजेंडे में आया है सामान्य सभा, क्या ये प्लेसमेंट एजेंसी अभी कार्यरत नहीं है? अगर है तो बिना सामान्य सभा के ये कैसे निविदा हुई, इसकी कैसे ये पारित हुआ, कैसे वर्क चल रहा है? मैं वैसे
से मैं इस प्रस्ताव को लेके आया हुआ था, जब से इसमें सभी हमारे महापौर हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इस निविदा को 23/3/2022 को प्रस्ताव किया गया था संकल्प पारित हुआ महापौर परिषद से, जिस वक्त सरकार का गठन हो चुका था, मार्च की बात है, इस समय पे राजपत्र में 19/5/2022 को 2 करोड़ तक की स्वीकृति हुई थी, मगर उससे पूर्व 1 करोड़ तक की स्वीकृति थी, बिना उसके सामान्य सभा हुए ये कार्य लगा कैसे निविदा में, हुआ कैसे और कैसे काम हो रहा है, इसकी जानकारी से अवगत कराए मुझे। एजेंसी का जी बिल्कुल काम चालू, सामान्य सभा की प्रत्याशा में काम चालू कर दिया जाता है, परंतु कैसे महोदय जी, जब छत्तीसगढ़ राजपत्र के आप इसमें देख सकते हैं 1 करोड़ तक की MIC को आप अनुशंसा करके 1 करोड़ तक के काम को आप करा सकते हैं, 1 करोड़ के ऊपर का काम सामान्य सभा का है, जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी महापौर की शक्तियाँ कितने राशि तक की है, 2 करोड़ से ऊपर की जो भी एजेंडे है वो हम सामान्य सभा में पेश करेंगे। आप जरा सुनिए, राजपत्र छत्तीसगढ़ राजपत्र में जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा मतलब ये जो बढ़ाया गया इनकी सीमाएं दिनांक 18 मई 2022 को प्रकाशित है, 23/3/2022 निविदा आमंत्रण हुई है, निविदा का आमंत्रण करके इन्होंने निविदा समिति बना ली है 14/3 को, 23/3 को संकल्प पारित हो रहा है, पता नहीं ये कैसे कर रहे हैं लोग, कौन सा भांग कर रहे हैं, मेरे को नहीं पता, ये 15 करोड़ में कुछ हो रहा है, 16 करोड़ में कुछ हो रहा है, 8/3 करना चाहूंगा कि ये हमारे जो पार्षद साथी हैं ये बार बार भांग भांग इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये भांग भांग खाने का ये जगह पे सब बात नहीं किया जा रहा है, क्या खुलवाया आप लोगों ने तो बोलना पड़ेगा। जो संक्षिप्तिका अभी मुझे सचिव जी ने दी थी उसी में लिखा हुआ है कि नगर पालिका निगम का इन्होंने 1.177 लाख मात्र का ई निविदा आमंत्रित किया था, दिनांक ई निविदा 19/1/9/2/6/0 जो निविदा का क्रमांक था, कब हुआ है 3/2 को निविदा आमंत्रण किया गया है, 15/2 को 7 एजेंसियां भाग ले चुकी हैं, 15/2/2022 पूरा उल्लेख कर देता हूं, उसके बाद ये हुआ है, मगर नीचे आप पढ़िए संकल्प महापौर परिषद की बैठक में 23/3 को प्रस्ताव पारित कर संकल्प पारित कर दिया गया है, सचिवालय में मैंने पढ़ा है उसमें लिखा हुआ है महापौर परिषद संकल्प पारित करके इसे सामान्य सभा को प्रेषित करती है, क्या ये इस तरह से मैं मानूं कि सामान्य सभा के अधिकारों का ये अप्रत्यक्ष रूप से आप लोग अतिक्रमण करना चाह रहे हैं। इस प्रकरण में प्रशासकीय मतलब हमारे कलेक्टर महोदय जी से प्रशासकीय विपत्ति लेकर स्वीकृति लिया गया, उसके बाद ये कार्य जब 5 जनवरी 2022 को सरकार का गठन हो गया, महापौर बन गए, महापौर परिषद बन गए, फिर किस चीज की आवश्यकता पड़ी, आप सामान्य सभा में क्यों नहीं सभापति सरकार सामान्य से सरकार बनने से पहले से प्रक्रिया निविदा के दिनांक पड़ी है, निविदा को दिनांक पड़ी है, निविदा कब जारी हुई थी, प्रशासन महोदय ने अपनी नीति एवं प्रशासकीय स्वीकृति पहले ले लिया गठन के पहले, रेट आपने वोट किया है तीन निविदा का, फिर मैं कोई शब्द कहूंगा तो बुरा लगेगा। आप नियम कानून बता रहे हैं, आप मुझे ये बताइए नियम के अनुसार चलना था 15/2/2022 को 7 एजेंसी आई है कि नहीं, 15/2 तक सरकार का गठन हुआ था कि नहीं, हाँ या ना, 5 जनवरी को शपथ ग्रहण हो चुका, महापौर जी बन चुकी थी, सरकार आ चुकी थी, आप 23 तारीख को संकल्प पारित करते हैं और निविदा आपकी कब आ गई है 15/2 को, इस प्रकार से चल रही है। और आप इसका निराकरण करवाइए, शहर सरकार गठित हो चुकी थी तो फिर बीच में कलेक्टर जी से अनुमोदन करवाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, उस समय शहर सरकार का गठन नहीं हुआ था, उससे पहले हम लोगों ने मतलब संबंधित निगम के अधिकारियों ने प्रशासक महोदय से प्रशासकीय वृत्ति स्वीकृति दी थी,
उसके बाद टेंडर जारी किया, पहला इंस्टॉलमेंट में नहीं आया, सेकेंड कोटा आया, उसके बाद इसको MIC में रखा गया। MIC सामान्य सभा के अनुमोदन की प्रत्याशा में इसको पास की, आज सामान्य सभा में रखा गया। अगर 1 करोड़ तक का काम उस वक्त तक था और ये काम जो है 1,77,00,000 का है, ये मामला MIC का नहीं है, ये मामला सामान्य सभा का था। तो आप मान लीजिए, स्वीकार कर लीजिए शहर सरकार के अतिक्रमण कर रहे सामान्य सभा का। आपके बराबर व्यवस्था नहीं पहुंचा रहे क्या इस काम में? आपकी तसल्ली है, आपकी ठीक है, शहर सरकार की बहुमत है, कर लेगी, मगर क्या है ये सामान्य सभा में उस वक्त नहीं आना चाहिए? विगत 1 वर्षों से ये कार्यरत है, वित्तीय अनुमतियां नहीं है क्या यहाँ पे? ठीक है, बताएगा पहले अनुमति जानकारी से अवगत कराइए पूरा मुझे कि क्यों किया गया। कोई नियम अधिनियम है तो दे, उपलब्ध कराए। कैसे शहर सरकार गठन होने के बाद कैसे वित्तीय अनुमति जो की पहले उनसे ले ली गई, प्रशासक उस समय कलेक्टर हुआ करते थे। ठीक है, ठीक है, सेकंड कॉल तो आपका शहर सरकार के गठन के बाद का है। तो वित्तीय स्वीकृति वहां से मिली होगी, आयुक्त साहब बता रहे हैं ना। तो संकल्प पारित करके सामान्य सभा में लेकर आए, ले आए, ठीक है, इन्होंने 23 को संकल्प पारित किया होगा। आज सामान्य सभा आज लगी है, काम कैसे चलेगा? प्रत्याशा नेक्स्ट जब तक हमको नया एजेंसी के निविदा बुलाने का क्लॉज हम लोग सही नहीं बना रहे थे,
क्योंकि इसमें कुछ कुछ शासन से होने के कारण हमारे नगरीय निकाय के संबंधित नहीं था। तो MIC ने सभी ने डिस्कस किया कि ऐसा क्लॉज बनाया जाए कि हमके रिसाली निगम में ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स की वसूली हो। इसलिए अभी जब तक कि हमको नई निविदा बुलाने की क्लॉज बनने तक का ना हो जाए तब तक इसको आगे बढ़ाया जाए, इसलिए आगे बढ़ाया गया था। और जैसे ही ये क्लॉज हमारे सभी MIC डिसाइड कर लेंगे कि ये क्लॉज में हम लोग ज़्यादा संपत्ति की वसूली कर पाएंगे, वो क्लॉज लग के टेंडर बुलाएंगे, टेंडर को फिर उसके बाद सामान्य सभा से रख के उसको पास कर दिया जाएगा। और इसमें आगे बढ़ाने का MIC को पावर है, क्योंकि भिलाई निगम में ना हो इसलिए अभी इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, वरना तनख्वाह वनखा देने का दिक्कत होगी। भिलाई निगम एक बड़ा क्षेत्र, छह जोन हुआ करते थे, हम करके एक जोन का ही हमारी नगर पालिका निगम के साथ। महोदय जी वो क्षेत्र इतना बड़ा इसलिए वहाँ इस पैरों की या जो भी संबंधित एजेंसी बता रहे महोदय जी उसकी आवश्यकता थी, तो वहाँ पर ये स्पैरो अनुबंध बनाया गया नंदा का सभापति स्पैरो जो कंपनी है राजस्व के, वो जैसा कि आपके सामने रखा गया कि भिलाई नगर निगम से उसके 5 साल का टेंडर था और हमारे महापौर परिषद को ये नियम था या अधिकार है कि जो भी एजेंसी उसे 2 वर्ष के लिए हम कर सकते हैं। वैसा स्टैंड हमने 2 साल के लिए नहीं किया, कुछ 2-3 महीने के लिए हुए और इसमें हमने निविदा आमंत्रित कर रहे हैं, उसे सदन में भी लेके आ रहे हैं ताकि सभी पार्षदों का हम राय लेते कि आगामी हम राजस्व वसूली किस तरह किया जाए, ये हम विषय भी सदन में लेके आए। अच्छा जो ये काम के लिए निविदा बुलाई गई थी अभी बात है 3 महीने एक्सटेंड करने भगत जी 3 महीने एक्सटेंड करने वाली बात है। निगम से अलग होकर नगर पालिक निगम निसाली बन गया, क्या इन्होंने अनुबंध कराया है नगर पालिक निगम निसाली के साथ उस कंपनी का? चल सकता है, चल सकता है, चल सकता प्रभारी मंत्री ही इन क्वेश्चनों का जवाब दे। पहले कारण मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि वो शहर सरकार के लिए और विशाली की जनता के लिए कितने उत्तरदायित्व है ये उनका वक्तव्य में देखना चाहता हूँ। जवाब कौन देगा? वो आप नहीं बताओगे जवाब कौन किसको देना है? बैठ जाइए आप। विनोद भाई हेलो, मैं सॉरी सभापति जी कि ठीक है उनके जानकारी हमारे साथी दे सकते हैं, MIC पार्षद के मंत्री का दर्जा होता है, कोई भी विभाग का वो जानकारी दे सकता है। हाँ बिल्कुल दे सकता है। मेरे साथी पार्षद ने MIC प्रभारी ने कहा हमारा काम ये है कि आप अगर कोई गलती कर रहे हैं तो उसे दिखाना, आपको बताना कि आप ये गलत कर रहे हैं, कि सरकार इसलिए नहीं कर रही है। जो भी विषय आ रहे हैं उसमें बिल्कुल सही रूप से जवाब दिए जा रहे हैं। और तथ्य जी ये तो जी। नया पार्षद है, सभापति महोदय जी ये आयुक्त का काम नहीं है जवाब देना, ये MIC मेंबर का काम है। हम तो आयुक्त नहीं है, आप सभा का संचालन हो रहा है आपके आदेश अनुसार हो रहा है, जिस तरह आप आदेश कर रहे हैं बिल्कुल आदेश कर सकते हैं, आप बिल्कुल सदस्य भी जवाब दे रहे हैं, पक्ष में आप आदेश कर सकते हैं, अधिकारी भी जवाब दे रहे हैं, आपके आदेश अनुसार तराजू बराबर तरफ बोलना है आपको, ऐसे नहीं कि कांग्रेस ना भाजपा। माननीय सभापति महोदय जी हाँ वही जो जवाब जो सवाल किया जा रहा है सम्मानित पार्षद को उसका जवाब तो मिल रहा है। बिल्कुल नहीं मिल रहा, हम इसके लिए संतुष्ट नहीं।
नहीं है ना जी, तभी तो बोला वो आप तय नहीं करोगे कि कौन जवाब नहीं नहीं करोगे आप जवाब से संतुष्ट अध्यक्ष महोदय जी, एक और पार्सल डाली 40वां, इसके लिए आपको बधाई हो। विषय है नगर पालिक निगम वैशाली क्षेत्र अंतर्गत डोर टू डोर राजस्व संपत्ति का समिति कर जल कर विज्ञापन कर यूजर चार्ज इत्यादि करों की वसूली के संबंध में चर्चा कर लेते हैं। एजेंसी नियुक्त करना है नहीं करना है इस विषय में अब इस पर चर्चा कर सकते हैं महोदय जी कि राजस्व के कर्मचारियों की संख्या कितनी है कि ये काम को हम नहीं करा सकते। भिलाई निगम बहुत बड़ा बृहद निगम था तो वहाँ इसकी आवश्यकता पड़ रही थी, बहुत सारे जगह थे, घर थे, यहाँ तो 26,000 मकान है अनुमानित है लागत कि 26,000 ही मकान है यहाँ। तो जब 26,000 मकान है तो हमारे पास कितने राजस्व के कर्मचारी हैं उपलब्ध हैं जिनसे हम ये काम करवा सकते हैं। शहर सरकार को इसके प्रति सोचना चाहिए जिससे हमें आर्थिक लाभ मिल सके हमारे शहर के लिए। ठीक है, इनका सुझाव नोट करिए, 23,000 मकान है। ठीक है, आपका सुझाव नोट करिए, इसी से संबंधित था। जी जी, इसी से संबंधित है। मैं ये कहना चाह रहा था महोदय जी कि राजस्व हमारे क्षेत्र में है तो जैसे कि हम अपनी आय को बढ़ाने के लिए आय को बढ़ाने के लिए मैं इस पे वक्तव्य दे सकता हूँ महोदय जी। राजस्व का विषय है, संपत्ति कर से रिलेटेड है। बिल्कुल दीजिए, स्वागत है महोदय जी। रिसाली नगर निगम में जैसे रुआ बंदा बाजार लगता है, सनिचरी बाजार है, इसके अलावा आपके बहुत सारे बाजार हैं जो जोरा तरह मुंडेरा में भी है, मोड़दा में भी है, तो उन बाजारों को लेकर नगर निगम जो बाजार है जहाँ से हम वसूली कर सकते हैं या कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जैसे पहले हुआ करता था, अगर हम किसी कंपनी को भी देते हैं काम वो भी वसूली करें और वो पैसा हमारे आर्थिक लाभ के लिए अच्छा हो, रिसाली निगम के लिए बेहतर हो। इसके अलावा हम क्यों ना ऐसा करें कि हमारी सरकारी ज़मीनें जितनी भी हैं शहर रिसाली निगम के क्षेत्र में उनको चिन्हित करें और चिन्हित करके कुछ जो आउटर एरिया में हमारे निगम के ज़मीनें हों उन पर शराब की दुकानें जिनको लाख लाख रुपये प्रति माह सरकार दे रही है पैसा और हम उनसे 5,000 रुपये साल का संपत्ति कर वसूलते हैं, तो क्यों ना हम अपने ऐसे जो जगह है हमारे सरकारी हमारे रिसाली निगम की जो जमीनें हैं उस पर हम ऐसी भट्टियों को खुलवाएं दूर क्षेत्रों में जिससे ये सुझाव इनका एकदम नोट करिए। भट्टियां खोलिए उन्हीं को वाले जाइए, नया भट्टी खोलने की बात नहीं कर रहे हैं, इतनी भट्टियां तो यही है। अभी विषय है नई एजेंसी नियुक्त करने का, पूछा आपसे मैंने कि मैं इस पे आर्थिक के लिए इसमें बोलिए ना किसी ने जानकारी देता हूँ पार्षद भाई कि हमारे कांग्रेस नहीं हमारे राज्य शासन द्वारा शहरी क्षेत्रों में हाट बाजारों में वसूली नहीं किया जा सकता, ग्रामीण अंचल में लागू शासन से ग्रामीण अंचलों में किया जा सकता। ग्रामीण अंचलों में मैंने बात भी की थी, जोरा तरह मुंडेरा ग्रामीण अंचल तो और किसी को बोलना है क्या इसमें कुछ इस रिसाली से जैसे कि अभी टैक्स वाले जो बात चल रही है तो टैक्स में जैसे इस 40 वार्ड में कुछ दिन पहले एक घोषणा हुआ था कि 50% की दर से वहां पर टैक्स जमा किया जाएगा करके, तो रिसाली बस्ती में क्यों आ रहा है अभी ये एजेंसी नियुक्त करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए इस विषय में चर्चा अपन शुरू कर रहे हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे कि कितने राजस्व कर्मचारी हैं जो ये कर सकते हैं इस काम को, क्योंकि हमारा क्षेत्र छोटा है, भिलाई निगम की तरह बड़ा नहीं है। मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, इस पर किसी का जवाब ही नहीं आ रहा था। माननीय सभापति महोदय जी, राजस्व वसूली के लिए हम निगम के कर्मचारी नहीं लगा सकते, हमारे पास ऑलरेडी निगम के कर्मचारी लिमिटेड हैं और 5 कर्मचारी और शासन को मांग भेजा जरूर गया है, पर हम चूंकि एजेंसी को हम एजेंसी के द्वारा हम राजस्व वसूली कराते हैं, 12% दिया जाता है, 7% दिया जाता है, तो उसको भी तो हम सैलरी दे रहे हैं, उसमें ज्यादा सैलरी लगेगा निगम के कर्मचारियों में, इसलिए प्राइवेट एजेंसी को दिया जाए।
लिए ऐसी भी व्यवस्था बनाई जाए, क्योंकि हमारे रिसाली क्षेत्र की जनता बहुत सजग है और अपना संपत्ति कर समय पर पटाती है, जमा करती है। जो संपत्ति कर वो खुद जाकर काउंटर पर पटाते हैं, उसका लाभ हम किसी एजेंसी को क्यों दें? इसकी भी व्यवस्था हो इसके अंदर, अगर ये लागू करना ही है, कर्मचारी नहीं है, अगर संख्या नहीं है, आप कह रहे हैं कि 5 ही कर्मचारी हैं, तो ऐसी भी व्यवस्था उसके अंदर बनाई जाए कि जिसमें अगर कोई स्वयं आकर अपना संपत्ति कर काउंटर पे ही जमा कर रहा है, तो उसका लाभ हम उस व्यक्ति को, उस एजेंसी को क्यों दें? है क्या कि काउंटर में भी जो लाके देगा उसमें भी उनको कमीशन जाएगा? हमारे जो पब्लिक है उनको और अवेयरनेस की जरूरत है। अभी वर्तमान में ऐसा नहीं है, आते होंगे काउंटर में जमा करने, पर फील्ड में जाकर वसूली करना वर्तमान में जरूरी है। जब ठेका कंपनी आकर आपसे वसूली के लिए आएगी तभी पटाइएगा। ये मैसेज देना चाह रहे हैं, व्यवस्था है सिलाई नगर निगम के जमाने से चली आ रही है। महोदय जी, इसी व्यवस्था में बदलाव की बात, अच्छा ही करने के लिए माननीय सभासद महोदय जी, मैं आपके साथी को बताना चाहूंगा कि घर में हम कर सकते हैं, भरपूर है ये सुविधाएं। फिर वही बात हो गई, बैन करूंगा, अच्छा नहीं लगेगा, बात वही हो गई। ऑनलाइन पटाओ, कैसे भी पटाओ, आप कंपनी को दे रहे हो ना 7%, मैं ये बात कर रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ उसके लिए क्या, जो स्वयं पटा दे रहा है, वसूली नहीं करना पड़ रहा, उसके पास नहीं जाना पड़ रहा है, तो उस कंपनी को उसका लाभ हम क्यों दें? मैं ये पूछ रहा हूँ, ऑनलाइन पटाने पर अगर ऐसी फैसिलिटी है तो बताइए मुझे। महोदय जी, 75% लोग निगम में आके पटाते हैं, 25% के लिए सिर्फ बचे से रहते हैं क्या? 75% लोग निगम में आके पटाते हैं, 75% बिल्कुल बिल्कुल सही कर रहे हैं। आप आके बताइए कि कितने लोग आपके घर पे आते हैं, आप सच्ची में प्रति के हाथ लेकर बोलिए कि कितने एजेंसी वाले घर पे आते हैं, क्योंकि हमारी जिले में पूरे लोग आते हैं। पार्टी नियरेस्ट वाले सब के सब आके पटाते हैं। सर हम लोग भी पहले रहते हैं, वही से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग को पता है, हम लोग भी जाके नहीं पढ़ाते, हम लोग भी ऐसे क्षेत्र में रहते हैं। सभापति महोदय, मैं भी ऐसे क्षेत्र से आता हूँ, वहाँ भी सजा है और ईमानदार भी है, ईमानदार भी स्वयं आकर पटाते हैं। मैं बात बात जनता की नहीं, मैं बात ये कर रहा हूँ, इनकी तकलीफ सुन लो, तकलीफ बहुत ही सारी ज्यादा है, हम लोगों ने जो भी किया है वो हर चीजों में तकलीफ है, तो जिसके लिए 75% कभी नहीं पढ़ाया आज तक, ये गलत है। मेरे लिए कुछ नहीं किया है, सरकार शहर सरकार है, सरकार करेगी, उसका दायित्व है, ये मुझे क्या बता रहे हैं या हमें क्या बता रहे हैं कि हमारे लिए है, करेंगे निर्माण। अगर निगम की रहने से बचेगी तो निगम के अन्य काम में आएंगे, मेरी प्रश्न काम में नहीं आएगी। साली निगम की जनता सुन ले कि यहाँ का प्रभारी क्या आरोप लगा रहा है कि नहीं पटाते आकर। अरे भाई, आकर पटाते हैं, व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, वाले घर जाते तभी पटाते हैं। सामान्य सदस्य का हम सुझाव लेना चाह रहे थे, उनका सुझाव मिल गया, बहुत बहुत धन्यवाद, बैठ जाइए। एक छोटा सा प्रश्न पूछा है, प्रश्न मेरा ये है, प्रश्न छोड़ दीजिए, उसी में क्या कह रहे हैं, मैं चाह ही रहा हूँ कि जो लोग आकर संपत्ति कर बटा जाती है काउंटर पे, उसका 7% का लाभ हम क्यों किसी की दूसरी कंपनी को दें? क्यों ना वो हमारे लाभ में काम आए, सारी निगम की जनता के लिए काम आए, पैसे की बात कर रहा हूँ। महोदय जी से लिखवाइए, जो लोग खुद आके अपना टैक्स बटाते हैं उनके लिए बेहतर व्यवस्था, उसका लाभ एजेंसी को ना दिया जाए, वो जो घूम के वसूले वही बस उन्हीं ऑनलाइन में व्यवस्था बनवा दीजिए, ये व्यवस्था ऑनलाइन की कर दीजिए कि ऑनलाइन से जितने लोग जो भी अच्छी व्यवस्था है ऑनलाइन की सुविधा है। महोदय जी, ऑनलाइन की सुविधा होते हुए भी वो 7% हम उस कंपनी को दे देते हैं कि हमने इतना जमा किया, तो उसे प्रॉफिट मिलता है। अब मैं बात को कर रहा हूँ, ठीक है, आपका आप, आपने सुझाव दिए हैं, आप स्वागत है आपके सुझाव, ठीक है, ताली बजा दो फिर। चलिए।
क्षेत्र में छूटे हुए भवनों का संपत्ति का निर्धारण किए जाने बाबत नगर पालिका नियम के साथ ही छूटे हुए भवनों का संपत्ति निर्धारण किए जाने के संबंध में महापौर परिषद की बैठक दिनांक 16/9/22 के प्रस्ताव और 25 के संबंध में निम्नलिखित संशोधन पारित किया गया है। ये संकल्प है महापौर परिषद के समक्ष प्रस्तुत उपरोक्त प्रस्ताव पर चर्चा उपरांत वर्तमान में नगर पालिका निगम रिसाली के अस्तित्व में आने के बाद राजस्व में वृद्धि एक रिसाली अंतर्गत विभिन्न वार्डो में स्थित झुपड़ा झोपड़ी पब्लिक मकानों का संपत्ति का निर्धारण वर्ष 2015-16 से किया जाना है। महापौर परिषद द्वारा संपत्ति के निर्धारण के संबंध में पुनर्विचार कर नगर पालिका निगम रिसाली क्षेत्र अंतर्गत झुका झोपड़ी पब्लिक मकानों का नगर पालिका निगम रिसाली के गठन वर्ष से संपत्ति का निर्धारण करने एवं करदाता के द्वारा संपत्ति कर की राशि एकमुश्त जमा करने पर दंडित शुल्क एवं अधिभार की राशि में 50% छूट दिए जाने का संकल्प पारित किया जाता है। उपरोक्त उपरोक्त महापौर परिषद द्वारा परिसंपर्क की पुष्टि एवं अनुमोदन हेतु प्रकरण चमार सभा में के समक्ष प्रस्तुत है। वस्तुतः ये जो नियम है वो मायसी के अधिकार क्षेत्र का था मगर समाज हमारे यहाँ बहुत सारे जगहों में छूटे हुए हैं, खास करके PSP से संबंधित एरिया में और स्लम एरिया में। इसलिए ये निर्धारण करने के लिए जब हम लोगों ने देखा तो भिलाई निगम से 1999 से ही इसकी वसूली और क्या बोलते हैं आईडी जनरेशन की प्रक्रिया चल रही थी 1999 से। तो MIC ने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए महापौर परिषद ने 137 के तहत तो 16 साल की छूट देते हुए सभी स्लम एरिया में 16 साल की छूट देते हुए ये MIC का विशेषाधिकार है। बता रहा हूँ MIC का विशेषाधिकार है कितने साल से छूट दे सकते हैं वित्तीय संतुलन बनाते हुए 16 साल की छूट देते हुए। आईडी जनरेशन 2015-16 से होगा लेकिन इसकी टैक्स वसूली पे जो अधिभार होना है तो निगम गठन से ही लागू होगा। अधिभार 2015-16 से लागू नहीं होगा, रिसाली निगम के गठन के पश्चात ही अधिभार लागू होगा, अर्थात 2015-16 से 2019 तक कभी अधिभार की छूट MIC द्वारा दी गई। धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगा कि अधिभार 2022 को हमें सभी ने शपथ लिया था, उसके बाद हम पार्षद के रूप में आए, उसके बाद MIC बनी है। तो MIC के पास ये पावर है क्या, क्योंकि 2015-16 से जो अभी रसीद कट गई 15-16 का दिखाता है। हाँ बिल्कुल कट सकते हैं, तो वो दिखाता है। तो ये बताइए कि जब MIC को ये पावर है क्या कि जब वो खुद 2022 में बनी है वो 2015 का निर्णय ले सकती है। वो लक्ष्य प्रभाव से, क्योंकि आईडी जनरेशन तो 1999 प्रभाव को छूट दे रहे हैं MIC। तो फिर तो असलम एरिया को आपको फायदा देना ही है तो 2022 से दीजिए, 2015 तक के बाद ही करना चाहिए, क्योंकि महापौर परिषद का है और वित्तीय संतुलन भी देखा जाता है, इसलिए ऐसा निर्णय है। तो जो संकल्प पारित किया ये किन शक्तियों का MIC ने उपयोग किया प्रयोग किया है, इसमें शहर सरकार ने निर्णय लिया कि हमारे क्षेत्र की जनता को किस तरह राहत दिया जाए और ये विशेष अधिकार है और उसको ध्यान में रखते हुए वित्तीय समस्या ना आए इसलिए संतुलन बनाने के लिए वित्तीय संतुलन बनाने के लिए हमने 2015 से रखा हुआ ताकि हमारा जो नगर निगम का काम काज है सुचारू रूप से संचालित होता रहे। क्षेत्र की जनता को मिले बात छूट क्यों जा रही है? हाँ बात छूट क्यों जा रही है? तो फिर सभापति वित्तीय संतुलन बनाए रखने के लिए हमने 2015 से और अधिभार में हमने उसमें छोड़ दी है। बिल्कुल दे सकता है MIC और आप अगर कहना चाहते हैं ना दिया जाए तो नोट करवा देते हैं। बात नहीं हो रही है सभापति सदस्य, आप 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 आपको मानदेय की जरूरत है कि नहीं? अगर नहीं है तो आप नोट करवा लें। ये बात तो जब किसी आदमी को मानदेय की कहां रही है? नहीं मानदेय भैया आप कैसे व्यवस्था करेंगे? आप मानदेय और सेंट्रल कैसे होगी? निगम के व्यवस्था कैसे बनेगी? जैसा अभी आपने छूट दी है उसका धन्यवाद देना। चलिए
मगर महोदय जी, भारत सरकार, हमारी भारत सरकार का संविधान सबको समान नागरिकता का अधिकार है। ये निशानी निगम अजब है, यहाँ अजब अजब गजब कहानियां लिखी जा रही है कि एक क्षेत्र को आप छूट देंगे, दूसरा क्षेत्र क्या बिगाड़ रखा है आपका कुछ? माननीय सभापति जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा, संपत्ति कर निर्धारण का विशेष अधिकार महापौर परिषद को, और ये चर्चा सामान्य सभा में नहीं होगी। नहीं, नीति का क्या? नहीं, नीति का मामला है, नीति का संपत्ति के निर्धारण के लिए। मैं अगला चाहूंगा, इसको नियम के तहत ही किया गया है और हमारे जो नगर निगम के काम काज है नहीं, तो सबको ध्यान में रखते हुए नीति का इसमें इसमें जो भी है सभी को देखते हुए इसे 2015 से लिया गया ताकि हमारा नगर निगम का काम सुचारू रूप से किया जाए। कौन से एरिया के लिए लिया गया है? झुग्गी झोपड़ी के लिए। कहां के? कौन से सब एरिया? वार्ड वार्ड चिन्हित। हां, वार्ड को चिन्हित है। कहीं सब एरिया, कई स्लम एरिया अपने बीच बीच में भी है। हाँ, सभी को ध्यान में रखते हुए माया नगरी, सभी को ध्यान में रखते हुए राजेश्वर जी बात नगर के पास सभी स्लम एरिया, सभी स्लम एरिया, सभी स्लम एरिया। हां जी, मैं करता हूं कि आपने 2015 तक किया, मगर इसका भी तो आप लीजिए, इसमें उल्लेख कीजिए कि आप सभापति जी कैश कर लेता ना, अलग अलग स्लैब के तहत किया गया तो उसके लिए स्लैब अलग कर दीजिए, कर निर्धारण वर्ष तो सेम रखिए। देखिए बात इतनी है, कर निर्धारण वर्ष 2015 का रखिए, सबके लिए बराबर ही देख के टैक्स स्लैब वाइज ही लिया जाता है। जी स्लैब वाइज लीजिए, श्रमिक क्षेत्र का श्रमिक के अनुसार लीजिए, कहाँ वाला कर, मगर आप कर निर्धारण वर्ष क्यों आपने छोड़ दिया? श्रमिक क्षेत्रों के स्लम बोल रहे हैं, स्लम क्षेत्रों के लिए मैं शब्दों को अपने दुरुस्त कर लेता हूँ भाई, मगर जो रिहासी कॉलोनी है उनके लिए क्यों नहीं कर निर्धारण वर्ष, उनके लिए 2015 लीजिए। देखिए स्लैब वाइज टैक्स कलेक्शन होता है, जैसे कृष्णा चक्की रोड मुख्य मार्ग के किनारे के, फिर अंदर की कॉलोनी, फिर उसके बाद स्लम बस्ती, इस तरीके से कर का निर्धारण किया जाता है नगर निगम एक्ट में, उसके तहत किया गया है उसको। मगर हम सबको संपत्ति कर पटाया जा रहा है, जब संपत्ति कर पटाया जा रहा है महोदय जी, तो आप एक क्षेत्र के लिए अलग समय से ले रहे हैं और एक क्षेत्र के लिए आप अलग समय से ले रहे हैं, ऐसा क्यों? आप दोनों क्षेत्रों के लिए सेम समय से लीजिए ना, आप 2015 से लीजिए। समय वाली बात तो कि 31 लवली साड़ी जो बस्ती है उसके लिए क्या छूट है, जो टैक्स है जो 50% तो हमारे तो दुआ भाव किया जा रहा है हमारे नागरिकों के, हमारे स्लम बस्ती बताइए उनके बस्ती के लिए, रिसाली बस्ती के लिए क्या प्रावधान है? रिसाली बस्ती को किसमें लिया गया 2015 वाले में कि नहीं लिया? तो वहां पर क्यों नहीं रिसाली बस्ती क्यों दो आप किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, चिन्हांकन करा लेते हैं, चिन्हांकन करवा जानकारी में चिन्हांकित कर देते, जो भी कच्चे मकान है उसी तरह जो भी हमारे चिन्हांकित करा लेते, जो कच्चे मकान है कर लेंगे। तो ये एजेंडे डेढ़ घंटे का, उसके बाद फिर अन्य विषय जो आप लोग चाह रहे हैं सब विषय में दिल खोल के चर्चा कर लें। धन्यवाद। अपने सार्वजनिक जीवन में सहकारिता के क्षेत्र, पंचायत के क्षेत्रों में तो काम किया हूँ, शामिल होते रहा हूँ, पर कभी मैं पार्षद किसी नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका में नहीं रहा, इसलिए नगरी प्रशासन विभाग की उतनी जानकारियाँ नहीं थी। आज यहाँ महापौर और शशि सिन्हा जी और सभापति केशव बंछोर जी ने मुझे आमंत्रित किया, तो मैंने भी सोचा चलो बैठ कर देखा जाए, सुना जाए, एक जीवन का अनुभव कि किस प्रकार से यहाँ कार्य संचालित होता है, किस प्रकार से प्रस्ताव पारित होते हैं, किस प्रकार से उनको स्वीकृति मिलती है, किस प्रकार से विपक्ष अपनी बात रखता है, सत्ता पक्ष उन बातों का जवाब किस ढंग से देता है, सरकार की जिम्मेदारी का निर्वहन सत्ता पक्ष कितना अच्छा कर पा रहा है, विपक्ष अपनी भूमिका कितनी अच्छी ढंग से निभा रहे हैं, वो सब देखते हैं अक्सर, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो या अन्य संस्थाएं हो, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी आज चूँकि ये नगर निगम नया है और अक्सर सारे पार्षद भी नए हैं और पहली बार ये सामान्य सभा का आयोजन हुआ है, बहुत अच्छे ढंग से इन लोगों ने अपनी प्रस्तुति दी है, अपना काम किया है, धीरे धीरे सुधार इसमें और उन लोग करेंगे, क्योंकि अनुभव सबके लिए इनका पहला है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो,
तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में आज जो अनुभव उनको होगा उसके परिप्रेक्ष्य में आने वाले समय में अपने कार्यों में, बोलने में, सोच में, विचार में, एजेंडा तय करने में, कार्यक्रम तय करने में, नीति निर्धारण में, सब में ये अपने ढंग से परिवर्तन करके और बेहतर करेंगे ताकि रिसाली नगर निगम अपने आप में बहुत अच्छा नगर निगम बन पाए। गृह मंत्री जी, देखिए राजगीत का अपमान नहीं हुआ है, मैं रहा हूँ। जो शुरू किया गया टेप को उसमें थोड़ा सा शुरू का शब्द जो है वो नहीं आ पाया, वो चालू किया चला लेकिन आवाज़ पहला शुरू एक या दो अक्षर का नहीं तो टेप से क्यों गाया गया? क्या पार्षदों को राजगीत याद नहीं है क्या? वो खुद भी गा सकते थे। गाए हैं पार्षद लोग भी तो गाए हैं। आधा अधूरा वही भाजपा पार्षद ने आरोप भी लगाया है, आधा अधूरा नहीं, आधा अधूरा नहीं हुआ। माइक चली है, पूरा चला है और जो लोग गाना जानते हैं, जो याद है, उन लोगों ने शुरू से बोला है, जिनको नहीं है वो नहीं बोला। मंत्री जी, ब्लैक लिस्टेड जो समान सभा का सम्मेलन पुनः अध्यक्ष महोदय के, सभापति महोदय के आदेशानुसार प्रारंभ किया जा रहा है। एजेंडा के हिसाब से अन्य विषय में चर्चा कराया जाना है, इस पर सभापति महोदय व्यवस्था देंगे। नियम अन्य विषय में अगर चर्चा करना चाहते हैं सदन में उपस्थित सदस्य तो दो तिहाई सदस्य के बहुमत से इस पर सभापति महोदय चर्चा कर सकते हैं। आप लोग सहमत हो तो आगे सभापति महोदय चर्चा करें। अब आज ये व्यवस्था है कि नियम आप लोग जान लिए अन्य विषय के संबंध में, पर आज अपनी पहली सभा है, बहुत सारे प्रश्न शुरू गए थे तो उसको अपन लोग बोल चुके हैं, तो उसमें बात हो गई कि इसको ले लेते हैं करके, तो मुख्य जो है जल्दी से इसको अपन कर लेते हैं। रमा साहू मैडम तक का हुआ था, उसके बाद से शुरू होगा था, तो जानकारी कराते हैं आप लोगों को। ये 19वां क्वेश्चन था श्री रामकृष्ण विद्यालय जी का, वार्ड 13 का पार्षद। मैं पर्सनल आपको बताता हूँ, प्रश्नों को आप बताएंगे सभापति जी। जानकारी आ रही है अब मान्य पाठक को उसे उपलब्ध करा, अच्छा, और कोचिंग भी उन्हें उपलब्ध करा दी जाएगी। 138 प्लेसमेंट और निष्ठा और अतिरिक्त, निष्ठा और अतिरिक्त कितने हो टोटल? जो संख्या रही आपने मांगे तो उसे दे दीजिए, बाकी आपको जानकारी तो मैं कुल टोटल का मांगा था। जैसे कि मान लो जाए ये जो प्लेसमेंट में है उन लोगों का पूछा था मैंने, तो 138 बताया हूँ, और इसका क्या है जो अतिरिक्त है और प्ले कर्मचारी नगर निगम में कौन से विभाग में कितने कितने कर्मचारी है ये पूछा था मैंने। इसमें तो लिखा कितने प्लेसमेंट कर्मचारी और कौन कौन से विभाग में कार्यरत है, 138 कर्मचारी हैं जवाब दिए हैं जो है। इसका वेतन सही समय पर होता है? जिस जो सवाल किया गया था उसका जवाब दिया गया है, अन्य उसमें पूरक सवाल है तो लिखा हुआ है जी। समय पर पेमेंट नहीं होने का प्लेसमेंट, नहीं प्लेसमेंट का तो हमारे यहाँ दिवाली फेस्टिवल में एडवांस में प्लेसमेंट कर्मचारियों को हमने जानकारी के अभाव से मुझसे जो सवाल वो गलत हो सकते हैं, यानी कि मैं जानकारी जो दे रहा हूँ जो चाहत रहा वो नहीं मिल पाई बोला। अभी हमारा 1 साल 14 महीने 14 दिन के लगा, 1 साल 14 दिन आज हमारा निगम में आए, 1 साल 14 दिन हो गए और इनमें 37 मन हाँ 16 रन और 3 जन हाँ ओल्ड हाँ बैठे है ना, 37 जन 16 रन और 3 जन ओल्ड है। तो जैसे कि मोला पूछे में जो गलत फीस बोर्ड से जैसे एक में प्लेसमेंट लिख दूँ मोला पूर पूछे कर तरी से कुल टोटल कर्मचारी करना है, खैर मोर से गलती हो गई तो मैं मान लूँ। तो अध्यक्ष महोदय जी एमए अभी तक से हमला प्रशिक्षण अगर मिले रहती
तो ये आज मुझसे गलती हुआ है वो नहीं होती। एक साल के आज एक साल 14 दिन हो गए और हम लोग प्रशिक्षण नहीं मिले करने पर के और का बात बोल सकता हूँ। और प्रशिक्षण आवश्यक है उसको लिमोरा वाले उसमें प्रशासनिक केंद्र में उसकी व्यवस्था मतलब प्रशिक्षण जानकारी का अभाव कारण विक्रय कारण पूरा पार्षद मन से जो भी गलत होते ये हमारे मन जो आज प्रशिक्षण नहीं हुआ उसका कारण है। और सेकंड क्या केवल सूखा पड़ रही पशुओं के लिए जो सूखा पैदा हुई पशु मतलब देते बिना दाना के तो जे प्रकार सूखा दाना पशु मतलब देते वो प्रकार अध्यक्ष महोदय जी जो दाना देते वो बिना सब्जी के खा सकते का अधिकारी अगर देते महापौर देते अगर वाला सूखा भात देते वो खा ली मैं बताना चाहूंगा कि हमारे गौठान में पैरा दान किया जाता है और उस पैरा दान से वो पशुओं को आहार दिया जाता है। अगर आपने पैसा दिए जो दान मिली तभी खिला वो बिना दान के नहीं खिला सकता उसकी भी व्यवस्था कर लेंगे उसकी भी व्यवस्था कर लेंगे ये वहां से हमारा कटोरा दे जाए लगे चार बार आगे बस दान दान बस ठीक फुल टोटल गई है कुछ है सुझाव नहीं दिए पहले पूछा तो थोड़ा बता दे अध्यक्ष महोदय जी जो मैं पूछा तो थोड़ा पहले बता दे कि कुल टोटल कितना खरीदी करे आज तक दाना दाना की खरीदी भी होती है तो चारा का खाई फिर गई है पैरा दाना नहीं होता तो दाना की खरीदी होती है लेकिन बहुत मिनिमम मात्रा में हम लोग आस पास से या फिर जो सब्जी मार्केट को देने की व्यवस्था करते हैं। एक पशु की मृत्यु आज सुबह हुई है क्योंकि डॉक्टर तीन दिन से देख रहे हैं वो बीमार है करके वो लिखित रिपोर्ट भी है डॉक्टर का कुल टोटल 74 गैया है कि ना अगर सबूत भी मेरे पास है तो मैं एक तरह बता दे रहा हूँ एक बिल तो है तो वो एक बिल से तीन हो है मांझा के निकलो मैं एक तरह एक बता रहा हूँ डॉक्टर ने फोटो भाई ये तीन है पूरा फोटो खींच के लाऊ एक दो तीन पूरा तीन है पुराना नहीं है आज ही का है आज ही का भाई जी आज ही का है मैं सवेरे देख के आऊं कुल टोटल 74 गैया एक मृत और 71 है अभी मैं गिनती लगा के आऊं सवेरे जाके 8 बजे मैं देख के आऊं वहां ना दाना नहीं है ना पानी के सूखा पारा दे रहे हैं ये फैसला तो डॉक्टर करते कभी कभी गाय सोए रहती है तो अगर वो मृत समझ के फोटो खींच ले तो बात करेंगे अध्यक्ष महोदय जी आप भी ना सम्मानित सदस्य हैं यहां नगर निगम द्वारा संचालित है राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना गौठान उसमें अपन अच्छा क्या कर सकते हैं उसमें सुझाव दीजिए मैं सुझाव आई तो महोदय तो आए चौथा वाला शानदार कि मैं जब जब गया हूँ तो मृत्यु है मैं महापौर को भी अवगत कराया हूँ आयुक्त महोदय को भी अवगत कराया हूँ अरे चार बार जो मैं गया हूँ चारों बार मृत्यु पाया गया है वहाँ सर जी आपको बताने नहीं 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 ऐसी बात नहीं कि आप मन दाना में कूदे थे पाप लगी पाप आप मतलब पाप लगी अगर आप भी नगर निगम वैशाली के एक पार्षद हैं और नगर निगम द्वारा संचालित है आप भी वहाँ पर श्रम दान और दान करते हैं बिल्कुल दान जरूर है मतलब अगर ना जो सेवा अगला ठेका दे तो जेकर ठेका ठेका से पहले चारा चारा के कोई ठेका व्यवस्था नहीं तो चारा ही नहीं दिए तो कौन ऐसे कर्मचारी जो वहाँ चारा लाके देते कर मोल नाम दे चारी भी वहाँ पर वाजपेयी है और जो पैरा दान करते हैं वहाँ चौकीदार खिलाते हैं चौकीदार यानी मन मन के लाके खिलाते हैं यानी निगम को कोई जवाबदारी नहीं इसमें पिछला साल आपको अवगत कराया ना कि बाजार से हम लोग वहाँ का हरा सब्जी खिलाते हैं साहब आपको अवगत कराया ना कि हम उसको हरा अरे पहले इंसान से बच जाए उसके जानवर के लिए छोड़ेगा और आपके लिए कौन छोड़ेगा निगम के लिए जी पहले तो इसको फोन देता है उसे जानकारी दे दो ना फोन लाने जाता है गौठान में मेरे जानकारी के हिसाब से कोई विशेष बजट वगैरह नहीं होता है उसको अपने जगह में रहने दो बेचारे कम से कम मरेंगे तो नहीं आपको नहीं लगेगा रोड में जब गाय जानवर घूम रहे थे ना तो लोग मर रहे थे उससे वहाँ भी जाके उसको तो मत मारो अगर रखे हो दाना खिलाओ योजना के लिए कुछ अच्छा सुझाव दे सकते हैं तो आपके सुझाव का स्वागत है भाई साहब
और ऐसे क्रिटिसाइज करेंगे इतनी अच्छी योजना को तो गलत बात है, आप बैठ जाइए। योजना अच्छा है लेकिन योजना के तहत आप लोग काम तो करो। रोड में जानवर घूम रहे वो ठीक है? नहीं ठीक नहीं है, मान लो एक्सीडेंट हो ठीक है, होता है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो तो वहाँ बच्चा बच्चा वो मर रहा भैया। मोदी जी गायों की मृत्यु का कारण और कुछ भी हो सकता है, इलाज का विषय है, डॉक्टर उसे उचित करते हैं। आपके पास सुझाव अगर है बहुत अच्छा काम है गौठान, कुछ सुझाव है तो दीजिए, अपन सब मिलके उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं बोलता हूँ सुझाव यही, आरोप लगाए पर आरोप लगाए पर नहीं, जो सही है बोला बोला तो आरोप तो लगी विपक्ष का, आरोप लगा तो हमारा काम है आरोप लगाना, हमारा काम है क्या आरोप लगाना, बोला अच्छा काम नहीं करना खबर, अच्छा काम नहीं करो, आप अच्छा काम करो खबर, बोलो गौठान जो है अच्छा काम है लेकिन बोला गाय सरकार से लोन लेके उसका चमड़ी खाल बेचने लगे, उस समय कहाँ थे भैया? हम लोग तो बना के भेज रहे, तो ये टेंडर अभी तक निरस्त नहीं हुआ है।
वो टेंडर निरस्त हो गया जिसका अधिग्रहण आया था जी। अभी पुनः टेंडर तब करेंगे जब उसका सौंदर्यीकरण का एक प्रस्ताव बना है तीन चार जगहों का, उसके साथ एक साथ करेंगे। जो विश्वा भवन अनुज्ञा कर भी अनिल कुमार का ही प्रश्न है। नगर निगम क्षेत्र में भवन अनुज्ञा देने का क्या नियम है और कितने दिनों में भवन अनुज्ञा प्रदान की जाती है? शुल्क क्या है? वैशाली में कौन कौन से वार्ड में भवन अनुज्ञा दी जा रही है या दी जा सकती है, या जहाँ नहीं दिया जा सकता वहाँ क्यों नहीं दिया जा सकता, इनकी जानकारी। और 15 दिवस के भीतर भवन अनुज्ञा दिया जाता है। लिस्ट क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको दे दिया जाएगा। हर क्षेत्र का अलग अलग रेट होता है, उस हिसाब से उस आधार पे शुल्क तय होता है। नियमितीकरण की भी जानकारी चाहिए। नियमितीकरण की जानकारी 40 आवेदन आए थे, क्योंकि उसमें से 16 सही पाए गए, उसका फॉर्मेलिटीज ज्यादा है, हम लोगों ने भेज दिया है, वो अप्रूव भी है। बाकी भी हम भेज चुके हैं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, क्योंकि हमारे ऊपर अथॉरिटी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग होते हैं, फिर जिला स्तरीय समिति जाता है नियमितीकरण के लिए, वहाँ हम लोग पुट अप करेंगे कल आज शायद बैठक के 2 बजे। मैं जो जानकारी हासिल करना चाहता हूँ वो ना ही हमारे विपक्ष के साथियों से जानना चाहता हूँ और ना ही हमारे विपक्ष के जो हमारे साथी हैं उनसे जानना चाहता हूँ। मैं अपने नगर निगम के अधिकारीगण से जानना चाहता हूँ कि डीमे फंड क्या होता है। अभी इस फंड के अंतर्गत जो कार्य किए जाते हैं उसकी पूर्ण जानकारी आप मुहैया करें। फंड डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड होता है, चूँकि अलग अलग जिलों में अलग अलग इसके वैल्यू निर्धारित किए गए हैं। जैसे हमको पैसा मिलता है बालू जिले से 12%, कलेक्टर इनके अध्यक्ष होते हैं, प्रबंध कारिणी समिति होती है, उसमें कलेक्टर की अध्यक्षता में 2 प्रकार के जगह में डिसाइड किया जाता है, एक प्रत्यक्ष प्रभावी क्षेत्र, एक अप्रत्यक्ष प्रभावी क्षेत्र। रिसाली नगर निगम अप्रत्यक्ष प्रभावी क्षेत्र में आता है। इसके 2 प्रकार के कार्य होते हैं, इसमें उच्च प्राथमिक कार्य आप ले लीजिएगा 8, 9, 10 बिंदु पे है, और एक अन्य प्राथमिक कार्य इसमें करीबन 16-17 बिंदु है। इसके आधार पे जो जिला स्तरीय समिति होती है वो डिसाइड करती है कि क्या क्या कार्य करने हैं क्या क्या। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कि आज से 19/12/2022 को एक टेंडर लगा था जिसमें डीएमए फंड का उपयोग किया गया है, वार्ड क्रमांक 8 रिसाली सेक्टर साईं मंदिर से बीएसएफ कैंप तक रोड के किनारे पाथवे निर्माण कार्य। क्या ये पाथवे निर्माण कार्य इसके अंतर्गत आता है डीएमए फंड के? कलेक्टर साहब होते हैं आते हैं तभी स्वीकृत। लेकिन मेरे पास जो बिंदु उपलब्ध है उसमें तो ये कारणी नहीं दर्शाई गई है। क्या फंड के अंतर्गत जो आता है धरती का जो संरचना लिखा है मतलब सब आता है। ठीक है, बैठ जाइए। मेरा दूसरा शिक्षा उपकर्ता को वार्षिक भाड़ा पे लेने का तभी तो ले अगर है तो मुझे उसी कंडीशन ये आपकी कॉपी में आपको दे देता हूँ। एमपी गवर्नमेंट के समय से सभी निकायों में लागू ठीक। तो अगर ऐसा है तो दुर्ग में क्यों नहीं किया जाता? वो मैं दुर्ग में कैसे बताऊँ? दुर्ग बाकी दुर्ग भी तो एमपी के समय में कम्प्लीट था। पुनः महोदय जी को नमस्कार। ये वार्ड क्रमांक 31 में मुक्तिधाम स्थित है और आसपास क्षेत्र में वही मुक्तिधाम है जहाँ पर हर एक प्रकार की सुविधा और फेमस जगह है। तो वहाँ पर अभी साल भर हो गए हैं जब से अपन न्यू पार्षद बने तब से, वहाँ पर की क्या व्यवस्था है, क्या रख रखाव, उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है, जबकि मेरे वार्ड में है और वहाँ पर सिर्फ एक सौवान है जो एक वही आता है वही जाता है, एक सौवान कभी कभी अगर कॉल करो तो यहाँ बिजी हूँ वहाँ बिजी करके बोला जाता है। तो और आने वाले अच्छी बात है। वहाँ पर जब फ्रीजर भी है, फ्रीजर भी दोनों खराब है वहाँ पर, और सौ वाहन जब आता है तो सौ वाहन का निःशुल्क है क्योंकि पार्षद के द्वारा भी वहाँ पर फाइन लिया गया है, शुल्क पैसा लिया गया है सौ वाहन लाने का। तो जब पार्षद के द्वारा लिया गया है तो अन्य मेरे वार्डवासी जो अन्य और वार्डवासी 40 पर वार्ड के उसमें भी पैसा लिया जाता है। देखिए मैं एक नंबर भिजवाते हैं जी, उसका भी 300 रुपये शुल्क जी। उसी तरीके से हर सेवा का ना शुल्क है, नॉमिनल है भले, निःशुल्क लगभग कुछ भी नहीं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि सौ वाहन के लिए निःशुल्क है, तो वाहन के लिए निशुल्क किया जाए जी। ठीक है, आपको सुझाव देखिए और इनके पेंशन सब क्यारी करके। तो मेरे वार्ड में 45 लोग का लिस्ट ऐसा है जो 55 महीने से पेंशन उसका नहीं आ रहा है। 55 महीने से 55 लोगों का लिस्ट है मेरे पास में, नहीं आ पा रहा है, नहीं आ रहा, 5 महीना हो गया कंटिन्यूस। अच्छा, और दीजिए चेक करवा जी। और वार्ड क्रमांक में 31 में 2 ऐसा जगह है जहाँ पर सरकारी जमीन
जहाँ पर एक और एक लास्ट पॉइंट हो, वही तो मैं प्रश्न एकदम लास्ट पॉइंट। अभी सभी वार्ड में जैसे काम हो रहा है तो मेरे वार्ड में भी कुछ कुछ काम हो रहा है, लेकिन देखा जा रहा है कि वहाँ पर ठेकेदार की मनमानी चल रही है। ठेकेदार काम चालू करते हैं, ठेकेदार काम बीच में बंद भी कर देता है, पार्षद को जानकारी भी देता है। वैसे मेरा होता है वार्ड हिमनगर में, तीन नंबर में जिसके लिए काम आया था, तीन नंबर में नहीं बन के वो रोड चार नंबर में बन गया। हिमनगर वाला जो 20 लाख का सीसी रोड का निर्माण, तो अभी पहले 5 नंबर पे पहले बन चुका था, लेकिन उसी वार्ड के जो 4 नंबर वार्ड के वो बोलते हैं भैया अच्छा आप काम चालू करवा दें हमारे तरफ बोलते हैं, तो ऐसी जानकारी क्यों होती है? 3 और 4 के लिए आया था काम, उसको 5 नंबर पे बनाया, 4 नंबर 3 नंबर का चल रहा था, किसी कारण से वहाँ पे कुछ लोग ऑब्जेक्शन किए थे, तो उसका काम हम लोगों ने सवेरे जा करके ठेकेदारों के साथ वो समझा के लोगों को वो काम स्टार्ट करा दिया, वो तो चल रहा काम, काम बंद अधूरा करके छोड़ दिया। नहीं तो वो वहाँ के लोगों की वजह से नहीं है, कुछ आप पार्षदों की वजह से, पार्षद जाके उसको काम को दूसरे तरफ से करने के लिए बोल रहा था, तो पार्षद कुछ नहीं बोला, आपसी विवाद के कारण वो काम रुक पाया, पार्षद कुछ नहीं, पार्षद को जानकारी भी नहीं, ठेकेदार को जानकारी भी नहीं है, काम वाले करो वो ठीक करा लेंगे, वो तो हमको बता नहीं चलता जाके करवाए सर, पहले भी करा था अभी करा लेंगे जी, हम जानकारी देते हैं इंजीनियर को, नहीं हमको भी बताना था, हम तो आए थे सवेरे सवेरे, वो भी तो सैलेंस भाई भी तो वही का मुलाकात भी हुआ, तो ठीक है यादव, अब प्रश्न है आंगनबाड़ी संबंधी। ये देखो ये ना ये देखिए रेखा देवी जी का बिजली खंभे से संबंधित जानकारी हेतु कोई विस्तार का सीएसटी भी करेगा, सर भी एरिया है, शाम होते काम करके सब आते हैं, अंधेरा कर ले रहता है सर, तो स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है, खंभे की जरूरत है, लाइट है और की जरूरत है, लाइट लाइट और आगे बढ़ने की जरूरत है, और आगे बढ़ने की विस्तार करना है, एक मतलब खंबे की जरूरत है, वहां नोट कर लीजिएगा। श्रीमती जमुना ठाकुर जी यहाँ वार्ड क्रमांक 10 में निर्माण कार्य के मेजरमेंट के अवलोकन के संबंध में जानकारी देती सुनंदा चंद्राकर जी का है प्रश्न। शौचालय जैसी जरूरतमंद सुविधा नहीं है और वहाँ आज भी लोग मल त्याग रहे पटरी पार तालाब किनारे और सड़क में बैठते हैं, आज खुले शौच मुक्त भारत में अगर ऐसी सुविधा नहीं है और जनता को खुले में मल त्याग करने जाना पड़ता है तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। अध्यक्ष महोदय हम जिस सभागृह में आज बैठे हैं उससे महज 5 किलोमीटर की दूरी पे वो क्षेत्र है वार्ड का बीज निगम, और मुझे बोलते हुए बहुत दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि वहाँ हनुमान मंदिर से उनके बस्ती तक जाने के लिए जो 1 किलोमीटर रास्ता है वो बना नहीं है, बारिश में पूरा घुटने तक का दलदल भरा रहता है, जानकारी अगर इस बात को बात की
आप शून्यकाल का शून्यकाल है तो शून्यकाल में अगर आप प्रश्न लाना चाह रहे हैं उस पर चर्चा करानी है उसको उसके जवाब दे दी जाएगी। चाहे जो भी बात भारत माता की जय।